यद्वज्रं कन्नाजु ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गले शिवे सर्वासाद्ये सर्वे शिवे गौरीनारायणमूर्तये ॐ अम्मां मे सिन्धूर्भगे ॐ ब्रह्मामरायी श्रीक्रन्तकारी बाणो शशी भूमिसुता उद्दिश गुरुशुक्रा शनि राहुके त्वा सर्वग्रह शान्तग्रावन्तु ॐ गणनां त्वा गणपति रं वामये निधिपति गङ्गामये प्रियेणां त्वा प्रियपति गङ्गामये कर्माणि सर्वाणि मया काराणि सर्वदा दासी सर्वबन्धूनामाजनानि च मार्जे ॐमग्नि की साक्षी मे कन्यामणि मन मे प्रतिज्ञा को दुराय परिवार की एकता और सुख शांति के लिए मैं छोटों पर ममता रखूंगी और बड़ों की आज्ञा का पालन करती हुई घर के काम काज करूंगी ॐ स्वस्ति न इन्द्रो हृदय सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्वे देवा स्वस्थारक्षोरेष्णेमी स्वस्ति न पृषद्दातु ॐ पृथ्व्यां वाजपयोदवन्द्रिष्येष्वयोदा सोपर्दिशा सन्तो माम् ॐ विष्णोर्राजम् लड़का ब्याहली को लेकर भीतर घुसा चला आ रहा है, कोई द्वार रोकने का नेक तो करो। अरे द्वार तो लड़के की बहन रोकती है चाची, अब शाम की बहन कहाँ से लाऊं? वाह चाचा जान, मैं जो मौजूद हूँ, मेरा हक क्यों मार रहे हैं आप? देखा सिराज मियां, बहू लाने की खुशी में सामने खड़ी हुई बेटी मुझे नजर नहीं आई, इसे कहते हैं बुढ़ापा। छोड़िए चाचा, बेटी नजर आए तो बुढ़ापा आ गया। लाइए श्याम भाई, बीवी को लेके घर में आना है तो बहन का नेक निकालिए गांठ से। ये लो बेटी, जीती रहो बेटी, खुश रहो, भगवान करे। अब्बाजान, अब तो दुल्हन के मुंह दिखाई की रस्म होगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। बांके बाबू, हमने तो ये सुना कि तुम्हारे यहाँ मुंह दिखाई की रस्म दुल्हन की सास से शुरू होती। अरे दुल्हन की सास तो अब स्वर्ग के किसी खिड़की झरोके से ही मुंह दिखाई की रस्म निभा ले तो निभा ले। तौबा है बंदे। अरे भाई, इसमें स्वर्ग नर्क की क्या बात है, सास नहीं है तो बहू की जेठानी तो है। जिस ब्याहली के माथे पे घूंघट तक नहीं, उसकी मुंह दिखाई हुई क्या और नहीं हुई क्या। लो भाभी, मेरी बड़ी भाभी ने तो तुम्हारा मुंह देख लिया। आओ आओ, अब जरा तुम भी ने अपने दांत दिखा दो। जिसके तन पे पीहर का एक छल्ला तक नहीं, वो क्या हमें दांत दिखाएगी। कुछ लटकन है तो सही। डिलट मुलम्मे की दो टूम पहना के भेज दी बेटी, शर्म नहीं आई बाप को। अरे भाभी साहिबा, आपको पता ही क्या है, आप हैं पुराने जमाने की लहंगा ओढ़नी पहनने वाली गवार, और नई भाभी है बदलते जमाने की नए फैशन वाली। आप तो बड़े हैं नई भाभी की हिमायती, कंगाल घर की बेटी और फैशन में मुंह पर घूंघट तक नहीं। अरे नई नई बहू आई है, अंदर चल के नेक पूरे करो, फिर ये फैशन वैशन देखती रहना। चलो चलो चलो, चलो आओ चलो। हाँ
झांक कर चिलमन उन्होंने डाल दी, मेरे अरमानों में उलझन डाल दी। मैंने कहा हुजूर उजाला होने दीजिए, घूंघट तो उठाइए। ये घूंघट में मुखड़ा छुपा के बैठी हो, घूंघट में मुंह छुपाकर पहली ही रात दिल की मंजिल तक कैसे पहुंचोगी? अरे घर में पाँव रखते ही पराई बेगानियों के सामने तुम्हारी भाभी मुझ पर और मेरे मायके वालों पर इतनी देर तक ताने कसती रही और तुम गुमसुम करे सुनते रहे। अब देखो ना, मैं तो तुम्हारे पल्ले से बंधा हुआ था, अब भला मैं क्या? इतनी बेशर्म औरत इस घर की बड़ी है, इतना भी नहीं जानती किससे किस वक्त किस तरह बोलना चाहिए। अब वो तो ऐसी है ही, तुम क्यों परेशान होती हो? वो तो ऐसी है, पर और भी तो खड़े सुन रहे थे। वो ब्राह्मण लोग क्या ऐसे ही जंगली कुंडे के एकता और दास्ता के वचन भरवा कर अग्नि के फेरे लगवा रहे थे मुझसे? अरे पहली ही रात तुम किन पंडे पुरोहितों के फेर में फंस गई हो? वो तो होती आई है इसलिए हो रही है। जो होती आई है वो भी कहां हुई? मेरा बाप तो कंगाल है इसलिए उसने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा बाप तो अमीर है, उसने कौन से सोने रुपए से लाद दिया है मुझे? अरे रूप रस से लबलब भरी तुम तो खुद कंचन काया की माले को डालें, तुम्हें कोई सोने रुपए से क्या ला देगा? उन फेरों की उठ बैठ में मेरी तो कमर ही बल खा गई। मैं मालिश कर दूंगा। मैं तो सिर पटक पटक के रह गई, लेकिन मेरी बात पे किसी ने कान नहीं दिया। सो जा। अच्छा एक बात तो बताओ, ये तुम्हारे पिताजी महाराज जो सबज परी ब्याह के लाए हैं तुम्हारे माजाए के लिए, ये मेरी मौसी की बेटी सत्तो से सुंदर ज्यादा है या फिर इसके माँ बाप मेरी मौसी से मालदार ज्यादा है? कौन से गुण देख के ब्याही है ये सीलवती मेरी सत्तो को छोड़ के? छोड़ना ठीक नहीं है, लगातार नजर रहनी चाहिए। सत्तो की माँ सोने में मरकर भेजती लौंडिया को, एहसान में अलग दबी रहती और लौंडिया रहती मेरी मुट्ठी में। ये क्या जेठानी के बस में रहने वाली है? देखा नहीं चार जनियों में मेरी तरफ कैसे बिल्ली की तरह घूर रही थी, जैसे झपट्टा मार देगी। बस बस बस, झपट्टे की ही बात है मुन्नी की मम्मी, एक ही झपट्टे में बेड़ा पार। अरे मैं तो दूसरे झपट्टों को झीक रही मुन्नी के पापा, कभी तो बात समझा करो। दूसरे झपट्टे? 100 रुपया नगद उस मुसलमानी के पल्ले में डाल दिए, वो क्या बहन है तुम्हारी? नई बहू के लाड़ में तुम्हारे पिताजी सारी कमाई दान करके आप तो दुनिया में दानीकरण बन जाएंगे, और तुम्हारे भाई की ये जेंटलमैन लुगाई उन्हें घर में लूट खाएगी, और तुम रोटी कपड़े के बदले दुकान में नामचार के मालिक बने बैठे रह जाओगे। समझा दिया है मैंने? हाँ। अब तुम दूर से ही समझाती रहोगी तो बैठे ही रहेंगे हम लोग, पास आके समझाओ ना। मैं तो डर गई। मैं तो तुम्हें राखी डराने आ रही थी, मम्मी ने मुझको आने ही नहीं दिया। क्यों? मम्मी तुमसे बहुत नाराज है। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे मम्मी का? तुम सत्तो की जगह जो आ गई हो। कौन सत्तो? मम्मी की मौसी की बेटी। उससे क्या? मम्मी सत्तो को मेरी चाची बनाकर लाना चाहती थी ना। मुझे बुला रहे? यस यस, पनिशमेंट। पनिशमेंट? हाँ दही इतनी लाई ना, पनिशमेंट तो हो गई। आपने मुझे बुलाया बाबूजी? हाँ, नए जमाने के उसूल के मुताबिक दहेज न लाने वाली बहू पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देनी चाहिए, और फिर अपने बेटे की किसी मालदार की बेटी से दूसरी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे बाप से दहेज इसलिए नहीं मांगा कि वो दे नहीं सकता था, बल्कि इसलिए नहीं लिया कि मैं बहू बेटियों की तिजारत करने वाला जलील आदमी नहीं हूं। मैंने अपनी तरफ से जर जेवर के चढ़ावे का दिखावा इसलिए नहीं किया कि तुम मेरे बेटे से शादी करके अपने ही घर आई हो। मैंने तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया है कि लेन देन के रिवाजों में फंसी हुई अपनी जेठानी के तानों का तुम कुछ ख्याल न करना। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है,
फिर भी अब क्योंकि बात की चर्चा हो गई है इसलिए तुम ये ले जाओ, ये तुम्हारी सास का है, पहन लो। और किसी से ये ना कहना कि ये मैंने तुम्हें दिया है, कहना कि तुम अपने मैके से लाई हो। अब जाओ। जी। इसके गले में हीरो का हार कहां से आ गया? कल तक तो नहीं था। मैंने कहा नहीं था तुमसे, ये भीतर भीतर लूट खाएगी। अरे उसके मायके का होगा। बढ़िया ही मायके से हीरो का हार लाने वाली भुक्कड़ की बेटी, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। बहादुर, मुन्नी स्कूल चली गई? जी साहब जी। नमस्ते जी। आओ राम, बड़ी देर कर दिया आज तुमने। वो जरा सोता रह गया बाबूजी। जीते रहो बेटी। क्या कर रहा है रवि? नया नाटक की तारीफ कर रहा हूं बाबूजी। नया नाटक कैसा बे? बड़ी भाभी आज आपके पांव छूकर डाइनिंग टेबल पर बैठ रही है। और क्या तेरे पांव छूकर बैठेगी? बाबूजी, छोटी भाभी तो खैर पर्दा अपने माँ बाप के घर ही छोड़ी, मगर बड़ी भाभी का पर्दा हटवाकर वाकई आपने सोशल रेवोल्यूशन कर दिया। अरे रेवोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं बेटे, मैं आदमी पुराना हूं, लेकिन ना सब पुरानी बातों को अच्छा समझता हूं ना सब नई बातों को। मैं शामिल कुनबेदारी का हामी हूं और इसलिए यह अच्छा नहीं समझता कि एक ही घर में रहने वाले एक ही परिवार के लोग एक दूसरे से पर्दा रखें, इससे दूरियां बढ़ती हैं। क्यों राम, तुम्हारा क्या ख्याल है? आप ठीक कहते हैं बाबूजी, आपसे अलग तो मेरा ख्याल हो ही नहीं सकता। और तुम्हारी बहू का? मेरा क्या ख्याल जी आपके आगे। और श्याम तुम्हारा? जो आपका सुमेरा बाबूजी। छोटी बहू तुम भी कुछ कहो। जी, आपकी गाइडेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। और तुम्हारा क्या ख्याल है रवि? शेक्सपियर सेड, मैं तो इस प्ले का गुंगा कॉमेडियन हूँ, मेरा इस प्ले में कोई डायलॉग नहीं। छोटा बाबू तो एकदम नाटक वाला है साहब जी। माय डियर नर बहादुर, शेक्सपियर सेड कि सारी दुनिया ही एक नाटक है। हाँ, और मैं समझता हूँ इस दुनिया के नाटक में मेरा पार्ट खत्म होने की घड़ी आ गई। लायक बेटे सामने हो तो बेफिक्री जल्दी आती है, थकान भी जल्दी आती है। थक गया हूं, सोच रहा हूं जरा बोझ उतार के तंदुरुस्ती सुधार लूं। हमारा डिपार्टमेंट स्टोर इस शहर में सबसे बड़ा है, जिंदगी भर खून पसीना एक करके मैंने इसे इस पोजीशन पे पहुंचा दिया है कि तुम लोग अगर इसे मेहनत और ईमानदारी से चलाते रहे तो तुम्हारी पीढ़ियां तक आराम से जिंदगी गुजार सकेंगी। रवि तो अभी पढ़ रहा है, इससे कुछ नहीं कहना। आज अगर राम और श्याम मुझे धंधे की जिम्मेदारियां संभालने का भरोसा देंगे तो मैं बुढ़ापे में बेफिक्री से अपनी दिलचस्पियां बदल सकूंगा। मैं हूं ना बाबूजी, मेरे होते हुए आप धंधे की फिक्र क्यों करते हैं? थकान और बुढ़ापे की क्या बात है बाबूजी, मैं तो उसे बड़े नसीब की बात समझता हूँ कि मुझ पर जिम्मेदारी डालकर आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है, तो फिर आज से धंधा तुम दोनों के हवाले। और बड़ी बहू, घर तुम्हें सौंप रहा हूं, छोटी बहू के लिए सास और देवरों के लिए मां बनकर रहना। घराने की आबरू तुम्हारे हाथ में है, किसी भी स्वार्थ में पड़कर आपस का प्यार और परिवार का साझा टूटने मत देना। बाबूजी, शेक्सपियर सेड। अरे सब शेक्सपियर ही कहेगा क्या, तू भी कुछ बोल। नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते बांके साहब। नमस्ते। आज आप पैदल ही चले जा रहे हैं? पर जरा सेहत बना रहे हैं। अच्छा जी, नमस्ते। अच्छा अच्छा। नमस्ते साहब आप। अरे कैसे हो करीम? ठीक हो? आइए मैं आपको छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ। जी सलाम। अरे क्या बात है मुसद्दीलाल, यहाँ क्यों बैठे हो? क्या करूं बांके बाबू, बेटे घर में घुसने ही नहीं देते। राम राम राम, ये क्या बात हुई? भूल हो गई, सब जमा जा था औलाद के हाथ पकड़ा दिया। तो इसमें भूल की क्या बात है मुसद्दीलाल, जमा जा था आदमी औलाद को नहीं देगा तो और किसे देगा? हा? अगर कोई मतभेद हुआ हो तो सुलह सफाई कर लो, औलाद से ज्यादा अपना कोई नहीं होता।
कब से ये हालत है? ये हालत तो इसकी दो रोज से है, वैसे बीमारी 7 दिन से है। और आप आज लेके आ रहे हैं? हकीम साहब, अनाथों का नाथ ये दीनदास खुद अनाथ है, पैसा न धेला किस किस से फरियाद करूं। तुलसी का काढ़ा घोट घोट के पिलाता रहा, फायदा न हुआ तो लुकमान की दुहाई दी। अजी काहे के लुकमान हकीम? अरे हकीम साहब हैं क्या? अरे बाके इस वक्त? अरे क्या बात है, किसका बच्चा है? हाँ भाई, इनके यतीम खाने का बच्चा। आप हैं दीनदास जी? नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम अंदर जाके बैठो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा, आप फिक्र ना कीजिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अरे नजमा बेटी, यासीन, अरे हम आए हैं। आदाब चाचा जान। जीती रहो बेटी, खुश रहो। देखो बेटी, अब हम आए हैं तो तुम्हारे हाथ की चाय पिए बगैर टलने वाले नहीं। मैंने आवाज सुन ली थी आपकी, चाय चढ़ा दी है। आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। बहुत अच्छे, आओ यासीन हमारे पास बैठो, आओ बैठ जाओ। दादाजी आप मुन्नी को नहीं लाए? मुन्नी तो स्कूल चली गई, उसकी बस आई थी ना उसे लेने के लिए। तुम स्कूल नहीं गए आज? अरे भाई बांके, तुम आज काम धाम छोड़ के यहाँ कैसे, ये तो बताओ। अरे सिराज मियाँ, आज से हमारी छुट्टी, सब काम धाम से हाथ धो लिए हमने आज। यानी सौंप दिया सब काम राम और श्याम को। ये क्या कह रहे हो, जरा समझा कर कहो। और क्या समझाऊं, हाट बाजार दोनों बेटों के जिम्मे और घर दोनों बहुओं के जिम्मे, हम उड़ते पंछी। और रवि भाई? रवि का क्या, उसको तो उसके भाई संभालेंगे ही। कानूनी लिखा पढ़ी कर दी? लिखा पढ़ी तो नहीं की, गनीमत है, लेकिन फैसला तो सुना ही दिया। तू बेवकूफ है बांके लाल। इतने बड़े बेवकूफ होता है क्या? जी, ऐसा नहीं बोलते, जाओ जाके बाहर खेलो। इसमें बेवकूफी की क्या बात है भाई? अरे राम और श्याम पर इतना भरोसा है तुम्हें? ऑफ कोर्स, भरोसा क्यों ना हो। हाँ, रवि थोड़ा बेभरोसे का है, ना समझ भी है, लेकिन राम और श्याम ने मेरे साथ बैठकर काम का काफी तजुर्बा हासिल किया है। बड़े फर्मा बरदार बेटे हैं दोनों। भांके, तुम दौलतमंद आदमी हो, दौलतमंद के तो सभी फर्मा बरदार होते हैं। पर उनकी नेकी और ईमानदारी कसौटी पर लगाकर परखी जाती है। अरे आदमी अगर अपने ही बेटों पर शुभा करने लगे तो विश्वास किस पर करे। तुम्हारा भी तो एक बेटा है, उसकी ईमानदारी पर कभी शुभा किया है तुमने? ला हौल वला कुव्वत, सब कुछ जानते हुए भी ये क्या कह दिया तुमने? शादी होते ही जो बीवी को लेकर अपने बाप की दाढ़ी में खाक डालकर परदेश भाग गया, असुदा हाल होते हुए भी जिसने बाप की रोटी बोटी के लिए कभी दमड़ी तक नहीं भेजी, शौहर की छोड़ी हुई बहन, सगी बहन, इसके दुख दर्द को कभी महसूस नहीं किया जिस बेटे ने, उस बेटे की नेकी और ईमानदारी पर मैं शुभा करूंगा? लानत है मुझ पर। सिराजुद्दीन, अल्लाह रहम करे तुम पर, मगर बांके लाल याद रखना सिराजुद्दीन की बात, इस जमाने के ईमान का दफ्तर शैतान चलाता है। औलाद के भरोसे पे मिटने वाले मुसद्दी लाल बंद दुकानों के तख्तों पे रातें गुजारते देखा तो होगा तुमने। चाय ठंडी हो गई। नजमा बेटी। जी अब्बा। चाय ठंडी हो गई। जाने क्या होगा मेरी बेटी का। तुम फिक्र मत करो सिराजुद्दीन, तुम्हारी बेटी के दुख मेरे दुख हैं। मेरे होते हुए तुम बेटी के दुख मानोगे तो मैं आराम की सांस कभी नहीं ले सकूंगा। खुदा दर्दमंद दोस्त दे, दगाबाज औलाद न दे। Come on, Rajni! Come on, Rajni! Wake up, Rajni!
तुम्हें क्या हुआ? अजी होना क्या था, रजनी पर दाव लगाया था, 2000 का टीवा हो गया। तो झीक क्यों रहे हो, जो हो गया सो हो गया। अब तो ताले तिजोरी के मुख्तियार हो, अगली दफा 4 लगाओ 10 पाओगे। सच? मैंने सपना देखा है, झूठ थोड़े ना होगा। सपना? हाँ, साक्षात लक्ष्मी जी आई थी उल्लू पे चढ़ के, आके बोली फलाने की बहू भाग तेरे आदमी के खुलेंगे घुड़दौड़ में ही। अरे बोलो उल्लू क्वाइनी की जय। घोड़ा नहीं बताया? बताया तो था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। अरे सत्यानाश हो मुन्नी की मम्मी। सुनो, कहीं ब्लू स्टार तो नहीं था? अरे हाँ, बिल्लू बिल्लू से कुछ सुनी तो थी। बस तो ब्लू स्टार ही है। बिल्लू हो या बिल्ला, वो जब आए तब आए। मुझे तो दूसरी फिक्र पड़ी है। क्या? दाने देख के कौवे झपटते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ा जीतने की खबर सुनते ही तुम्हारा भाई और उसकी लुगाई उसमें साझा मांगने खड़े हो जाए। हम किस किस के लिए सदावत खोलते फिरेंगे? उस नाटक वाले उड़ान टप्पू की जिम्मेदारी भी तो हमारे सर पे है। कॉलेज गैदरिंग की सारी कामयाबी रोमियो जूलियट नाटक पर, और नाटक की कामयाबी पूरी तरह तुम पर मुनसर है रवि। सभी ट्रस्टी आएंगे। मैंने तो सुना है कि बंबई के कोई फिल्म प्रोड्यूसर भी आ रहे हैं। कॉलेज की इज्जत रहनी चाहिए। सभी कुछ तुम्हें अपनी चॉइस का मिल गया है। रोमियो तुम खुद प्ले कर रहे हो और जूलियट का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक्सक्यूज मी सर, सवाल तो बस जूलियट का ही है। आपकी सेलेक्ट की हुई लड़की एक दिन तक रिहर्सल को नहीं मिली मुझे। इस हालत में आपके सवाल का क्या जवाब दूं, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। ना समझना जरूरी है ना जवाब देना। वो कॉलेज के ट्रस्टी की बेटी है। अगर तुम्हारी जगह खुद शेक्सपियर भी होता तो जूलियट। ओमियो, माय ओमियो, मैं प्यारे ओमियो। अरे बाप रे, ओमियो ओमियो नहीं, मेरी माँ रोमियो रोमियो, चंद्रा का र लगा र। अरे समझाना यार, भगवान के लिए रोमियो बोल, रोमियो। ओमियो, माय ओमियो। ओह माय गॉड, सारे नाटक में ये जूलियट रोमियो के बदले ओमियो से प्रेम करेगी क्या? मैं प्यारे ओमियो। तुम्हारा नाम ही मेरा दुश्मन है। तुम्हारा नाम ही मेरा दुश्मन है। नाम बदलकर भी, नाम बदलकर भी मेरे लिए तुम, मेरे लिए तुम मेरे प्यारे रोमियो ही रहोगे। मैं प्यारे ओमियो ही होगे। प्यारी सहेलियों, सुना है कि बादलों के टकराने से आसमान में बिजली पैदा होती है, लेकिन इस रोमियो की टक्कर से तो दिल में चिंगारी तक पैदा नहीं हुई। यूरेका, यूरेका, माय जूलियट। हां, आई फाउंड माय जूलियट। क्या जूलियट जूलियट कर रहे हो, होश में आओ, मेरा नाम ही जानते हो तुम? जानता हूँ जानता हूँ, तुम कविता हो, मेरी फेलो स्टूडेंट, तुम्हें तो मेरे साथ हमदर्दी होनी चाहिए। मैं परसों तक मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। लेकिन बात क्या है? कॉलेज के एक ट्रस्टी की लड़की मेरी छाती पे चढ़ा दी गई है। अगर उसने जूलियट का काम कर लिया तो रोमियो की असली से ज्यादा ट्रेजेडी हो जाएगी। कॉलेज की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तुम मेरे साथ जूलियट का काम करो। मैं? नहीं, मैंने तो कभी स्टेज पर काम ही नहीं किया है। डोंट वरी, मैं ट्रेन कर लूंगा तुम्हें। लेकिन वो ट्रस्टी की जूलियट? अरे मारो गोली उस ट्रस्टी की जूलियट को, तुम मेरी जूलियट होगी। हर्जी क्या है कविता, तुम बन क्यों नहीं जाती इसकी जूलियट? ना पापा ना, पापा के परमिशन के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे पापा की परमिशन मैं ले लूंगा, तुम अपने घर का पता तो बताओ। लेकिन 36 पुलिस लाइन। तो ठीक है, मैं चला। कहीं से डाका डाल कर आया है या डालने आया है? जूलियट सर, मैं जूलियट के लिए आया हूँ। व्हाट जूलियट, पागलखाने से भाग कर आया क्या? नो सर, व्हाई शुड आई, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। यू आर नॉट ऑल राइट। राइट आदमी ऐसे भेस में बाइक चलाकर किसी के घर में नहीं घुसता। यू आर मैड। नो नो सर, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं जरा जल्दी में हूँ, सिर्फ एक दिन और एक रात ही बीच में है, मुझे जूलियट के लिए आपकी परमिशन चाहिए। क्या बकता है इडियट,
कौन सी जूलियट, कैसी परमिशन? आप समझे नहीं, मैं आपकी लड़की की बात कर रहा हूँ सर। मैं खुद रोमियो का रोल प्ले कर रहा हूँ और मैंने कविता को जूलियट के रोल के लिए सेलेक्ट किया, बस आपकी परमिशन चाहिए। I see. यूसी सर? यूसी के बच्चे, परमिशन मांगने से पहले ये तो तू जानता ही होगा कि जूलियट का बाप रोमियो का जानी दुश्मन था। बहुत अच्छी तरह सर, यही तो हमारे नाटक का सब्जेक्ट है। ये जानते हुए भी तूने मेरे सामने आकर परमिशन मांगने की जरूरत कैसे की? पापा जी। खबरदार, अगर तूने मुझे पापा जी कहा तो मेरी लड़की को नाटक में नचाकर मुझे बदनाम करना चाहता है बदमाश। शरीफों से खिलवाड़ करने वालों को मैं गोली से उड़ा देता हूँ। मैंने आपको कितनी बार कहा है पापा कि घर में होते हुए आप यूनिफॉर्म मत पहना करें, ये आपको फौरन चार्जिंग मोड में ला देता है। तुम ठीक कहती हो बेटी, पर क्राइम इतना बढ़ गया है कि हर वक्त रेडी रहना पड़ता है ना। पापा ये तो मेरा क्लास फेलो है रवि। हाँ, वेरी ग्लैड टू सी यू जेंटलमैन। भाई अब तक तुमने हमसे कुछ कहा ही नहीं, कुछ तो कहना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आओ बैठते हैं। बैठो बेटा। पापा आप शरबत पियेंगे? हम तो पियेंगे ही भाई, इन्हें भी पिलाओ, पर तुम बैठो तो सही। पापा हमारे कॉलेज में एक सोशल गैदरिंग है। वेरी गुड, उसमें एक आइटम है शेक्सपियर का रोमियो और जूलियट। भाई कल्चरल प्रोग्राम तो होते ही रहने चाहिए। मैं जूलियट का रोल प्ले करूं पापा? क्यों नहीं क्यों नहीं, भाई कॉलेज की एक्टिविटीज में तो हिस्सा लेना ही चाहिए। बस तो पापा जी, मुझे आगे दीजिए। चल दिए जी। भाई तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जूलियट, तुम यहाँ क्यों आए रोमियो और कैसे आए? तुम्हारे प्रेम के पंखों पर सवार होकर, तुम्हारी चार दीवारी के ऊपर से उड़कर, सिर्फ तुमसे मिलने चला है मेरी जान, पर मेरा आना तुमने कैसे जाना? दिल की धड़कनों से, तुम्हारे आने की आहट के एहसास से, मैं दीवारों के कान मूंद कर तोड़े चली आई रोमियो। मैं जूलियट कैप्यूले ना होती। काश कि मैं रोमियो मॉन्टैग ना होता। ओ माय लव, हम जो हैं वो ना होते तो एक दूसरे से लिपट कर रूहों की तरह दुनिया की नजरों से ओझल हो जाते। हम जो हैं वही रहकर एक दूसरे के आगोश में नहीं रह सकते क्या मेरी जान? रोमियो, मैं जूलियट। आप मुझे वाकई अपने फिल्म में हीरो लेना चाहते हैं? चाहता है क्या बोला तो? अरे हम तुम्हारे को मेहता जी के पास लाया क्या वास्ते हैं? Really? I'm very very thankful to you, मेहता जी। मैं तो सोते जागते एक्टिंग को ही अपना करियर बनाने के सपने देखता हूँ। भाई हम तो हमेशा ही नए टैलेंट की तलाश में रहते हैं। तुम्हारे अंदर हमें स्पार्क नजर आया, हमने फौरन ही दादा को तुम्हारे पास भेज दिया। हम तुमको एक और प्रपोजल देता है, सुनो। अगर तुम फिल्म में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करेगा तो मेहता साहब तुमको फिल्म में पार्टनरशिप भी देगा क्या? अरे क्यों नहीं देंगे, रवि साहब इन्वेस्टमेंट करेंगे, पार्टनरशिप जरूर देंगे। देखिए मेहता जी, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कह सकता हूँ पिताजी से, पर मुश्किल ये है कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, फाइनल एग्जाम दिए बिना ना तो पिताजी मुझे किसी बिजनेस के लिए पैसा देंगे और ना एक्टिंग की इजाजत देंगे। ऐसी हालत में ये क्या मुश्किल है भाई, तुम्हारे फाइनल एग्जाम खत्म होने तक हम फिल्म की दूसरी तैयारियां कर लेते हैं, इसमें क्या? हाय कविता। हाय। मुझे तुमसे कुछ काम था। काम? हाँ, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। तुम अपने फादर से कहकर मुझे बचा लोगी तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मंद रहूंगा। क्या बात है? बस थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो, 5 मिनट के लिए प्लीज।
अच्छा चलो प्लीज। हम एक और बात बोलता है और मेहता सेठ की तरफ से बोलता है। बोलो बोलो। अगर तुम अपना जूलियट को हीरोइन के वास्ते साथ लाएगा ना तो मेहता सेठ उसको मुंह मांगा पैसा देगा। किसे? कविता को? यस। कविता मेरी हीरोइन फिल्म में? यस यस, फीचरिंग रवि एंड कविता। मुश्किल में पड़कर मेरी मदद चाही थी तुमने, मेरे पिताजी का एहसान चाहा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी गंदी हरकतें करते हुए। हाय हाय मेरी जान, तुम इतना मीठा बोलती हो, इतना मीठा बोलती हो कि तुम्हारे होंठ चूमने को जी चाहता है। भाई हजार हजार शुक्रिया उस रोमियो का जिसने स्टेज पर लाकर तुम्हारा जलवा दिखाया। आज हम जूलियट का जलवा देखेंगे। कदम आगे बढ़ाने से पहले याद कर लेना कि मेरा बाप कौन है। अब जानता हूँ तेरे बाप को। एक मिनट में वर्दी और पिस्तौल छिनवा सकता हूँ मैं। पिस्तौल छिनवा सकता है कुत्ते, पर जान रहते मेरे जिस्म के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता है तू। खुदा ये मोहब्बत का जज्बा कायम रखे। आमीन। आहा, दादाजी आप इधर छुपे हुए, आपने तो कहा था कि सालगिरह के दिन आप जादू दिखाएंगे। हाँ हाँ जरूर दिखाएंगे। नाना जी आपको नहीं आता जादू? वाह आता क्यों नहीं, हम दोनों गोगिया पाशा के शागिर्द हैं। आता है तो दिखाइए। अरे भाई आ जाने दो सबको, तुम्हारे स्कूल की सहेलियां हैं, अनाथ आश्रम के बच्चे बुला रखे हैं, उन्हें भी तो जादू दिखाएंगे। यार सालगिरह तो हमारी मनती मनाती नहीं थी, लेकिन तुझे याद है सिराजुद्दीन, एक बार मेरी सालगिरह पर तूने मुझे गिल्ली डंडा दिया था। अरे हाँ, वही गिल्ली तो मारी थी तूने मेरी आंख पर, अगर ठिकाने पे लगी होती तो आज मैं काने हकीम के नाम से मशहूर होता। आप तो बैठे गए थे काम धंधा छोड़ के, हकीम और एक मिल गया ठल्ले नवीसी करने को। सुंदरी सुल्ताना सफारी। सालगिरह मनानी थी तो सत्यनारायण की पूजा करवा लेते, इन झंडी पताकों में पैसे फूकने की क्या जरूरत पड़ी थी। बाबूजी केक नहीं लाए? केक? हाँ और मोमबत्तियां। क्यों सुराज? हाँ भाई केक काटने और मोमबत्तियां बुझाने का ही रिवाज है आजकल। भाई हमें तो पसंद नहीं है ये रिवाज,
हर शुभ घड़ी है दिए जलाने चाहिए या बुझाने चाहिए? जमाना है मियां, 21वीं सदी में लोग बच्चों की सालगिरह पर एटम बम फोड़ा करेंगे। शाम नहीं आया बहू? कलकत्ते का कोई व्यापारी आने वाला था जी, शायद देर से आएंगे। और वो कहाँ है नालायक रवि? जब जब घर में होते हुए बड़े ही बाहर ना आए तो छोटे तो बाहर से आए तभी आए। साहब जी, ओ साहब जी, वो सब सामान लाया। अच्छा, तो मिठाइयां यहाँ रख दो और बाकी सब सामान अंदर ले जाओ। जी साहब। शीला, जरा राम और गौरी को बुला लो। अच्छा जी। दादाजी दादाजी, चाचा का हाथ टूट गया। क्या हुआ बेटे? अरे कुछ नहीं चाचा जान, बस यूं ही। अरे इतना सारा खून निकल रहा है, यूं ही क्या होता है? कुछ नहीं बाबूजी, जरा यूं ही बाइक से। सड़क पे हवाई जहाज चलाता है, हजार बार तुझे कहा है बाइक जरा आहिस्ता चलाया कर। कहीं हड्डी वड्डी तो नहीं चटक गई? ये हुआ कैसे? चाचा जाने एक लड़की को बचाने में जरा जख्म खा गया। बच गई ना? बिल्कुल बच गई। चलो खैर। बाबूजी पूछ रहे हैं, जब देखो तब ससुर के आगे पीछे लगी रहती है, ये भीतर ही भीतर सफाया करके रख देगी। हे भगवान, ये कहां की पलटन घर में घुस आई? जरा बाहर निकल के देखो तो सही, तुम्हारा बाप पोती का जन्मदिन मना रहा है या अपने बेटे का ब्याह रचा रहा है? चलो ना। जादूगर अलबेले बंगाल से आए हैं, कभी न देखा तुमने वो जादू लाए हैं। हम जादूगर अलबेले बंगाल से आए हैं, जो कभी न देखा तुमने वो जादू लाए हैं। शनशना के तुम लप्पू, ये टुंबक मैं टुंबक टू। जादूगर हो जादूगर, जादूगर आए हैं, अनोखे जादू लाए हैं, अनोखे जादू लाए हैं। हाँ तो बच्चों मांग, क्या मांगते हो मांगो। जादूगर जादूगर, मुझे एक लाल परी लाके दो ना। अभी लो ना। एक महल था सोने का, खुशियों का था राज वहां पर, नाम नहीं था रोने का। एक बार की बात है बच्चों। क्या भाई? एक बार की बात, सूर की आंधी चली, बवाल आया। कैसे अपनी जान बचाएं? अरे कैसे अपनी जान बचाएं, सबका यही सवाल आया। समझे बच्चों? हर कोई हैरान हो गया, हर कोई हैरान हो गया, देखा जो ऐसा अंधड़, बड़े पेड़ या छोटे पौधे गिरने लगे सभी धड़ धड़। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता तो एक पल में अंधड़ कुछ खामोश हुआ। जान बची तो लाखों पाए, सबने मिलकर करी दुआ। लेकिन जादूगर वहां अंधड़ क्यों आया? ताकि भूल न जाए कोई, रहते हैं भगवान कहीं, ताके ये इंसान जहां में बन जाए शैतान नहीं।
फिर क्या हुआ? फिर हाँ, अंधड़ जब थम गया तो बच्चों, अरे धरती लगने लगी हरी, सबको देने प्यार गगन से उतरी उतरी फिर एक लाल परी। जादूगर, मैं भी कुछ मांगू? हाँ हाँ बच्चों, तुम भी मांगो। मुझे मेरे माँ बाप ला दो ना। सब कुछ मिलता पर माँ और बाप नहीं मिलते, अपनों को ढूंढा जाता है अपने आप नहीं मिलते, अनजानों की बस्ती में कुछ अपने भी तो होते हैं, साथ निभाते सुख में सपने संग संजोते हैं, वही सयाना भीड़ भाड़ में, वही सयाना भीड़ भाड़ में जो अपनों को पहचाने, जीवन की अनुभूति डगर पर क्या अपने क्या बेगाने। कसब की लड़की है यार, सारे फ्लोर पर जादू कर रखा। अरे लड़की का जादू हमारे इशारे से सर चढ़ता है, लड़की को छोड़ो तुम काम की बात करो। अरे काम की बात कह तो दी ना सच्चा ना, ये स्टोर वस्टोर का काम उससे नहीं होगा। मैं तो तेरे साथ होटल का बिजनेस करूंगा, बस फैसला कर लिया मैंने। जरूर आइए, मैंने तो पार्टनरशिप ऑफर कर दी है आपको। लेकिन मेरा बाप है ना बीच में। अरे तो निकाल दो अपने बाप को रास्ते से, ये पिछली पीढ़ी के लोग क्या जाने धंधा करना। मुझसे पहले मेरा बाप यहाँ एक एक रुपए में चाय बेचता था और मैं उसी चाय के 10 रुपए लेता हूँ। ये सब बिजनेस टैग का प्यारे, लो पियो। रहने दे, बाप को पता चला तो गौमूत्र पिला छोड़ेगा। ये वो क्वालिटी नहीं है जो बाप जान जाएगा, जिसे किस करोगे वही जानेगी। पियो। अब क्या सोच रहे हो यार? देखो सक्सेना, पार्टनरशिप के लिए तुम तैयार हो और अब पिताजी का भी स्टोर में दखल नहीं, लेकिन भाई तो है, इसलिए मैं सारे का सारा पैसा एक साथ नहीं दे सकूंगा। कमाल करते हो यार, तुमसे सारा पैसा मांगता ही कौन है? तुम धीरे धीरे देते रहना, मैं जमा करता रहूंगा। और जहां तक पार्टनरशिप की बात है, वो तुम समझो आज से ही शुरू। लो इसी खुशी में एक और पियो। ठीक है, मजा आ गया, मैं चलता हूँ। ओके डन है? हाँ डन। अरे साहब आया, साहब टैक्सी लाऊं? लाता है साहब, टैक्सी 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 साहब टैक्सी। ठहरो, हाँ,
प्यास का पत्ता थमा गया। डगमग हुए जा रहे हो, थकान के मारे खड़ा तक हुआ नहीं जा रहा तुमसे। घर में पड़े सब मजे उड़ा रहे हैं, एक तुम ही कोलू के बैल हो क्या? अरे छोड़ दूंगा ये सब धंधा फंदा, फैसला कर लिया मैंने। काहे का फैसला? चांदी बनाने की मशीन लगा रहा हूँ डार्लिंग। चांदी बनाने की? अरे खटाखट रुपए बनकर निकलेंगे। तुम्हें कैशियर बना दूंगा, बस समेटती रहना। बताओ ना, तुम्हें मेरी कसम। अरे अकबर होटल में साझा कर रहा हूँ डार्लिंग, अब तो बस कैबरे डिस्को डांस, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही जी। शराब पी है क्या? यस पी है, थोड़ी सी हाई क्वालिटी की शराब पीने लगे तू? अरे कल्चर्ड लोगों को बिजनेस में पीनी ही पड़ती है डार्लिंग, अकबर की मालकिन बनकर तुम्हें भी पीनी पड़ सकती है। हमें भी तो दिखाओ ना एक दिन अपना ये अकबर होटल। श्योर श्योर, देखो कल स्टोर की छुट्टी है, सुबह ही निकल चलेंगे किसी बहाने। मॉर्निंग शो में पिक्चर, होटल में लंच, और इवनिंग में कैबरे, और फिर रात में मैं और तुम। बहुत थक गए हो अब सो जाओ। अरे थकान वकान तो तुम्हारे पास आके मिट जाती है शीला, अब तो दूसरी ही फिक्र है। क्या? होटल के साझे की रकम निकालनी है किसी तरह स्टोर से। मैं तो कहती हूँ जो भी निकालना हो जल्दी से निकाल लो, तुम्हारा भाई तुमसे पहले सफाया ना करते स्टोर का। ये तुम क्या कह रहे हो सिराजुद्दीन? उस नालायक रवि के बारे में अगर तुम कुछ कहते तो मैं मान लेता, लेकिन राम और श्याम के बारे में मैं तुम्हारा शुभा कैसे मान लूं? देखो बांके, राम और श्याम जैसे तुम्हारे बेटे वैसे मेरे बेटों के लिए बाप के दिल में किसी तरह का शक पैदा करना मैं अपनी दोस्ती के नाम पे एक दाग समझता हूं। देखो मैं रवि पर किसी तरह का शक नहीं करता, तुम करते हो, लेकिन राम और श्याम के भरोसे आंखें मूंद लेना तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मैंने अपना ख्याल जाहिर कर दिया, खबरदार रहना तुम्हारा काम। ठीक है, मैं तुम्हारे शक का इम्तिहान लूंगा, चलता हूं। मैं ईद पे इंतजार करूंगा तुम्हारा। 50,000 की गड़बड़। बादर जी। साहब राम आया? नहीं आया साहब। श्याम? वो भी नहीं आया साहब। अच्छा आते ही हमारे पास भेज देना। जी साहब। खाना लगाऊं साहब? नहीं जाओ तुम। जी साहब। और सुनो रवि कहाँ है? दूरी तो जिन दुश्मनों ने मिटा दी, फिर ये फासले क्यों? फासले मिटाने के लिए ही तो दौड़ी चले आई हूं रवि। आने के बाद भी तो पास नहीं हो। और पास आए तो दर्द बढ़ जाएगा। जख्म कैसा है? फूल की सूरत में बदल गया सा लगता है। घायल हो या कवि? एहसास बोल सकता तो कहता कि कविता को पाकर कवि बन गया हूं। पालिया कविता को? कविता के सीने से लग जाने के बाद दिल तो पाने की खुशी में ही दीवाना हो गया है। उस वक्त अगर तुम ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। जो हुआ उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ कविता। मैं दुनिया की नजर में तुम्हारे सपने जगाने के लिए एक बड़ा शानदार सपना देख कर आ रहा हूं। मैं जाग रही हूं, सुनाओ। मित्र जब विश्वास खो देता है तब उसे शत्रु कहते हैं, और पुत्र जब विश्वास तोड़ता है तब उसे कुपुत्र कहते हैं। विश्वास खोकर जीने वाला आदमी आदमी कहलाने के काबिल नहीं रहता। खून पसीने की कमाई से जमाया हुआ इतना बड़ा धंधा मैंने तुम्हारी भलाई के लिए तुम पर विश्वास करके सौंपा था,
न कि अपने ही घर में डाका डालने के लिए। क्या बात है बाबूजी? ऊपर से भोले बनकर बात पूछते हो? रोकड़ बाकी में इतने दिन से 50,000 रुपए कम क्यों है? लीजिए ये रहे जी रुपए। बाबूजी आपको गलत फहमी हो रही। एक पार्टी से कैश पेमेंट पर माल खरीदने के लिए हमने 50,000 रुपया रोकड़ से निकाला था। माल की डिलीवरी मिली नहीं, इसलिए 5,000 रुपया हरजाना लेकर सौदा कैंसिल करवा दिया। 55,000 रुपए है। हम विश्वासघात कैसे कर सकते हैं बाबूजी? हम क्या किसी गैर के दुकान के नौकर गुमाशते हैं? हम तो अपने ही धंधे के मालिक हैं। बेशक मुझे किसी वजह से गलतफहमी हो गई। खैर हो गई सो हो गई, लेकिन इतना बड़ा लेन देन कैश से नहीं करना चाहिए बेटे, बैंक के जरिए करना चाहिए। आज मुझे गलतफहमी हो गई, कल सरकार को गलतफहमी हो सकती है। बाबूजी धंधे में तो आजकल सभी कुछ करना पड़ता है। बाबूजी ये रुपए रख लीजिए। ले जाओ, मैं क्या करूंगा, स्टोर के हैं, स्टोर के खाते में जमा करा देना। जी बाबूजी, आपने खाना नहीं खाया बाबूजी? नहीं खाऊंगा, शक करने की सजा में एक वक्त का उपवास ही सही। वाओ, वंडरफुल, डाजलिंग, फैसिनेटिंग, शेक्सपियर सेड, जूलियट दिन की चांदनी में परी बनकर लव स्पॉट पर उतर आई। गया बेचारा शेक्सपियर मजनुओं की जमात में। दिन की धूप क्या चांदनी होती है? जूलियट पास हो तो धूप चांदनी होती है। आज आ तो नहीं सकती थी, पर आ गई ये अच्छा हुआ, वरना तुम इस चांदनी में पिघल जाते। आज क्या बात है, बड़ी सज धज के आई हो? आज मेरी सालगिरह है रवि। अच्छा, तुमने बताया नहीं, कौन सी? तुम तो बड़े अनाड़ी हो। क्यों? लड़कियों से उम्र पूछी जाती है क्या? बस जितनी चाहिए थी उतनी। उतनी यानी कितनी? बस समझ लो, अब मैं वोट दे सकती हूँ। वोट दे सकती हो? वोट फॉर रवि, मुझे वोट दे दो। नो मिस्चीफ। वोट मांगना और देना मिस्चीफ नहीं है डियर, बालिक नौजवानों का अधिकार है। वोट लेने और देने वाले की जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती है जनाब। अब तो पहले जितना हो जाता था उतना भी नहीं होगा। मगर क्यों नहीं होगा? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई ऑपोजिशन नहीं है, हैप्पी ओकेजन है। तुम दे सकती हो, मैं ले सकता हूँ, अब क्या मुश्किल है? दुश्मन हो गई मेरी जवानी, उसमें तेरी ये नादानी। अरे दुश्मन हो गई मेरी जवानी, उसमें तेरी ये नादानी। कसम तुझे बात मेरी मान ले तू, बात बढ़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी, ओ बात बढ़ जाएगी, बात तू हुई सयानी। उस दिन से तू हुई दीवानी। अच्छा अच्छा। अरे जिस दिन से तू हुई सयानी, उस दिन से तू हुई दीवानी। कसम तुझे अपना मुझे मान ले तू, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, हो बात बन जाएगी। के चले जो तू दिल पे असर आए, क्या होगा जो पायल तेरी खुल के बिखर जाए। थम थम के चले जो तू दिल पे असर आए, क्या होगा जो पायल तेरी खुल के बिखर जाए। मेरी पायल का ये के बहाना,
भूल गई तू प्रेम कहानी, कसम तुझे अपना मुझे मान ले तू। बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, ओ बात बन जाएगी। ये भीगा भीगा आग लगा जाए, कैसे कहूँ तेरे लिए प्यास जगा जाए। हाय मौसम ये भीगा भीगा आग लगा जाए, कैसे कहूँ तेरे लिए प्यास जगा जाए। प्यास अब तक तूने एक न मानी, अब तो मान ले दिल भर जानी, कसम तुझे अपना मुझे मान ले तू। बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, हो बात बन जाएगी। नवमल सेठ, मेरी गुजारिश है कि आप आज ईद के रोज कर्ज का तकाजा न करें। मैं जल्द से जल्द आपकी रकम अदा कर दूंगा। अरे बड़ी हकीम साहब, पांच महीने से तो तुम हमारा सूद तक तो दिया नहीं, बड़ी रकम क्या लौटाएगा? मेहरबानी करके आहिस्ता बोलिए, बच्चे सुन लेंगे तो हमारा ईद के त्योहार का मजा ही चला जाएगा। बड़ी हमारे को तुम्हारा ईद बकरीद से कोई मतलब नहीं, हमारा तो रुपया ही ईद है। देखो साईं, हमको रुपया हमारा नहीं मिला तो हम इधर से हिलेगा तक नहीं। नमस्ते बाकी बाबू, नमस्ते। नमस्ते। ईद के दिन एक मुसलमान के दरवाजे पर कर्ज का तकाजा करने आए हैं आप, बड़े शर्म की बात है। कितना पैसा है आपका? ईद बकरीद का लिहाज करके लेनदार अपना ही मुहर्रम मनाता है बाके बाबू। बड़ी हमको मालूम होता कि हकीम साहब तुम्हारा दोस्त है तो हम इधर आता ही नहीं साहिं। 2000। ये लीजिए, 2500 है। ब्याज कितना है? बड़ी बाके बाबू देने वाला है तो ब्याज हम फिर कभी ले लेगा साहिं। अच्छा साहिं, राम राम, राम राम साहिं। मेरी क्या आरती उठ गई थी जो ऐसे कमबख्त साहूकार का कर्ज तूने सर पे चढ़ा लिया? एक सूदखोर के सामने हाथ फैलाते हुए तूने आबरू समझी और एक दोस्त के सामने मुंह खोलने में तुझे शर्म आई? ये क्या यारी हुई सिराजुद्दीन? मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक।
ईद मुबारक, ईद मुबारक। यार मैं ये नहीं मानता कि ईद के मौके पर बशीर ने कुछ भेजा ना हो, लेकिन परदेश से पैसा यहाँ आने में सौ झंझट हैं। जाने दे बांके, इस मुबारक मौके पर उस खुदगर्द बेटे की याद मत दिला। तुझे तो यार बेटों पे शक करने की आदत सी पड़ गई है। राम और श्याम पे शक करके अच्छी टांग घसीटी तूने मेरी। तेरे कहने में आकर मैंने सारे कारोबार की जांच की और बेकार शर्मिंदा होना पड़ा मुझे। अल्लाह तेरे यकीन सच साबित करे। चल अंदर चल। अरे यासीन, नजमा बेटी, देखो बांके बाबू आए हैं। मुबारक दादाजी। ईद मुबारक बेटे, ये लो। ईद मुबारक चाचा जान, आधा वर्ष करती हूँ। ईद मुबारक, खुश रहो बेटी। अरे महबूब, इन बच्चों को लाइन में खड़ा कर, जल्दी। चलो बच्चे लाइन लगाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, सब एक करके लाइन में खड़े हो जाओ। हाँ चलो बच्चे, सबको मिलेगा। चलो बच्चे लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन लगाओ। हाँ हाँ ठीक है, सब मुसलमान बच्चों को दे दूं जी। अरे इन बेघर बेदर अनाथ बच्चों में न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, ईद का प्रसाद है, थोड़ा थोड़ा सब में बांट जी। अच्छा, इन छतों के नीचे रहते हैं बच्चे? सड़कों पर तो छतें भी नहीं है श्रीमान जी। लेकिन बारिश तो इन छतों से भी नहीं रुकेगी, बारिश में कहाँ रहेंगे? यहीं कुछ टाट बोरिया ताम तून देंगे, न समाये तो पेड़ों और पुलों के नीचे गुजार देंगे, कुछ मर जाएंगे। यूं मरम्मत कराने के लिए चंदा जमा करने की कोशिश तो कर रहा हूँ। चंदा जमा होने तक तो बरसात आकर भी चली जाएगी। सरकारी मदद लेनी चाहिए। सरकारी मदद? सरकारी मदद मिलने तक ये बच्चे बच गए तो डकैत हो जाएंगे। ऐसा हुआ तो ठिकाना मिल जाएगा जनाब, या तो गोली खाएंगे या जेलों में रहेंगे। जादूगर, मुझे मेरे माँ बाप ला दो ना। दुनिया में सब कुछ मिलता पर माँ और बाप नहीं मिलते, अपनों को ढूंढा जाता है अपने आप नहीं मिलते। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है ये बात। मैं बनवाऊंगा ये अनाथ आश्रम। वाकई? अरे इतना जरूरी काम भी ना किया तो और मैं करूंगा ही क्या। धन्य हो बांके बाबू, धन्य हो। सत्कर्म के विचार से आपका सर झुकता है। इस जमाने के लोग लेकर थे वर्तानते हैं, तुम देकर क्यों नजरें चुकाते हो मेरे दोस्त? काहे का लेना काहे का देना सिराजुद्दीन, मेरा क्या है? रहीम ने कहा है ना, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासों नीचे नैन। जय हो बाके बाबू, जय हो। अरे लड़कों बच्चों बेटों, इधर आओ इधर आओ, जल्दी आओ। अरे जिनसे तुम जादू के माँ बाप मांग रहे थे वो खुद तुम्हारे सामने बाप की सूरत में आ खड़ा हुआ। अरे बाके बाबू तुम्हारे लिए नया घर बनवा रहे हैं, यहाँ बोलो बाके बाबू की जय, 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 बाके बाबू की। यूं रोते नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। दादर जी, इसे ले जाओ। चलो मुनी, रोते नहीं मुनी, रोते नहीं, दादाजी जल्दी अच्छे हो जाएंगे, रोते नहीं रोते नहीं। राम श्याम सुनो, मैंने दीनदास जी के अनाथ आश्रम की इमारत नई बनवाने का फैसला किया है। जी तुम दोनों को तो अपने काम से फुर्सत नहीं मिलेगी, दीनदास जी खुद सब इंतजाम कर लेंगे। जी बाबू जी। दीनदास जी इमारत का काम भनोत कंस्ट्रक्शंस को सौंपिए। ठीक सोचा आपने, वो ईमानदार लोग हैं। जी हाँ, ठीक है फिर आप जाइए और भनोत जी से कहिए कि बरसात शुरू होने से पहले काम खत्म होना चाहिए। हाँ अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अब तुम्हारा काम ये है राम कि भनोत को पैसे की कमी ना होने दो। जी। अच्छा भाई तुम लोग जाओ अपने अपने काम पे लगो। क्यों सिराजुद्दीन, ठीक किया ना? ठीक होने के बाद तुम अपनी देखरेख में तामीर करवाते तो अच्छा रहता। क्यों भाई? राम और श्याम के हाथों रुपयों का लेन देन सौंपना मुझे कुछ ठीक मालूम नहीं देता। ये तुम्हें क्या बीमारी लग गई है यार,
बार बार एक ही बात दोहराते हो। तुम खामखा राम और श्याम की तरफ से मेरे मन में शक पैदा करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? 50,000 रुपली के लिए सगा बाप बैरी हो गए थे बेटे का, यतीम खाने के लिए तो लाखों रुपए लुटा जा रहे हैं, हम यतीमों से भी गए गुजरे हैं। ये यतीम खाना हमारे लिए लॉटरी की तरह टूट कर गिरा है मुन्नी की मम्मी, जरा बात को समझो। बात बात को समझो तुम, निठल्ला आदमी वैसे ही पालथी मारे बैठा था घर में, ऊपर से टांग तोड़ ली, अब अपाहज का हाल पूछने के लिए घर में भीड़ लग जाएगी। मुझसे नहीं होगी ये समाज सेवा, मैं तो मैके चली जाऊंगी। कैसी चोट है चाचा, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है? फ्रैक्चर तो नहीं, पर देखभाल तो जरूरी है ही ना। मैं रहूंगा बाबूजी के पास। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान होगा, यहाँ बहादुर है, राम की बहू है। वो मायके जा रही है इन्हें इस हालत में छोड़कर? अरे कोई जरूरी वजह होगी, जाने दो, छोटी तो है ही, क्या पता वो भी है या नहीं। टूटी टांग उठाए मैं कहाँ फिरूंगी, तुम उन्हें हॉस्पिटल भेज दो। हॉस्पिटल वो नहीं जाएंगे, हकीम है ना इलाज करने को। फिर तो सब तरह से मुसीबत मेरी ही है, घर में रहना मुश्किल, मायके में ठिकाना नहीं, तुम मुझे होटल क्यों नहीं भेज देते? निठल्ला आदमी वैसे ही पालथी मारे बैठा था घर में, ऊपर से टांग तोड़ ली, अब अपाहज का हाल पूछने के लिए घर में भीड़ लग जाएगी। मुझसे नहीं होगी ये समाज सेवा, मैं तो मैके चली जाऊंगी। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते। अनाथ आश्रम के खाते में लिख के मुझे 1,00,000 रुपया दीजिए मनेंगे। बड़े पुण्य का काम किया है भैया, चेक लिख दूं? अरे चेक किस किस को देता फिर, नगद दीजिए। मेरी जरा नगद रुपया देना जी। लीजिए। शहर भर में श्याम भैया का नाम हो जाएगा, मैं दे दास जी को। जी नहीं, मुझे और भी नाम नक्शे देख लें। लीजिए। चलता हूँ। नमस्ते। देखिए दीनदास जी, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और ये सीढ़ियाँ जो हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उतरती हैं। हाँ। और इमीडिएटली उसके बाद आप एक कमरे में एंटर होते हैं जो कि एक कॉमन कमरा है। आइए श्यामलाल जी, आइए। नमस्ते। नमस्कार। अच्छा हुआ आप आ गए, नाप नक्शा मोल भाव पर एक नजर आप भी डाल लीजिए। मोल भाव नाप नक्शा आप जाने, और बेनोट साहब, बेनोट साहब इस वक्त आप 50,000 रुपये रखिए और काम शुरू करवा दीजिए, रुपया आपको मिलता रहेगा। मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर हाजिर होऊंगा। राइट। नीना, ये पैसे जो हैं अकाउंट को दे दीजिए। राइट सर। हाँ तो दीनदास जी, मैं ये आपको बता रहा था कि जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे हैं तो मैं मैडम, ये हमारा लव स्पॉट है या कॉलेज की लाइब्रेरी? अरे इम्तिहान आ रहे हैं, किताबें छोड़कर क्या तुम्हारे चूल्हे चौके से रोमांस करने लगूं मैं अभी से? उफो, ये लो। पीछे हटो। अरे खबरदार कोई गड़बड़ की तो, कभी आगे की भी सोची है? आगे की पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या करोगे, ये कभी सोचा है तुमने? मैं तो खुद कहना चाहता था तुमसे, मैंने सोच रखा है। क्या? मैं क्या? मैं फिल्मों में काम करूंगा। What? हाँ, मैं फिल्मों में हीरो बनूंगा। क्या मजाक कर रहे हो तुम? ये मजाक की बात नहीं है कविता, मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्मों में ही काम करूंगा। देखो कविता, नाम धाम शोहरत इज्जत और रुपया कमाने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं,
या तो आदमी देश की सेवा कर ले या तो फिल्म एक्टर हो जाए। तुम्हें पसंद नहीं आई बात? चॉइस है अपनी अपनी। वैसे मैं सोच भी नहीं सकती कि एक्टर की बीवी बनकर मैं कौन सा कर्तव्य निभा सकूंगी। तुम्हारा कर्तव्य? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है? मेरे लिए क्या सोचना? जैसे डॉक्टर की बीवी डॉक्टर नहीं, मास्टर की बीवी मास्टर नहीं, एक्टर की बीवी कुछ नहीं होती है। जिसकी कोई पहचान तक नहीं उसके बारे में क्या सोचना? मैं शायद अपनी बात समझा नहीं सका तुम्हें। तो समझाओ। बात यह है कि ओहो, तुम्हारी बात ही बात में मेरी आइसक्रीम शरबत हो गई। मारो गोली से, चलो मैं तुम्हें किसी और जगह आइसक्रीम खिलाता हूँ। बैठो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी। अरे जल्दी कहो ना, पापा के घर आने का वक्त हो गया है। बात यह है कविता कि अब ये बहुत जरूरी है कि हम अपने करियर के बारे में डिसाइड कर लें। करियर तो तुम अपना डिसाइड कर ही चुके हो कि तुम फिल्म एक्टर बनोगे, इसमें मुझे क्या कहना है? कविता, तुम्हारे डिसाइड किए बिना मेरा करियर कैसे बनेगा? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझा नहीं? इसमें नहीं समझने की क्या बात है? इस हालत में बाबूजी को अस्पताल नहीं जाना चाहिए था क्या? घर में रहकर तुझे और मुझे तो बेघर ही कर दिया ना उन्होंने। और तभी बेचारी कहां तक करे, उनकी वजह से मुन्नी की मम्मी को किसी की शादी का बहाना करके मायके जाना पड़ा। तुम्हें अपनी साली की बीमारी का बहाना करके बहू को उस होटल में रखना पड़ा। अनाथों को बसाते बसाते तुम और हम ही अनाथ हो गए। क्या बात है, कुछ बोलो तो सही। कविता मैं भाई साहब जिला दिया हमें अनाथों ने। 50,000 रुपए की चोरी ने आमदनी का रास्ता ही बंद करा दिया था। इस आश्रम की कृपा से खैर मैं तो होटल में हिस्से पत्ती का मालिक ही बनकर रह जाऊंगा, लेकिन तुमने तो रेस में लाखों पर हाथ मार दिया। लाखों पे हाथ मार दिया या लाखों की चपत लग गई मेरे थोतरे पे? अगली रेस के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है मेरी जेब में। उधर अनाथ आश्रम पूरा हो रहा है और यहाँ उनकी पट्टियां खुल जाएंगी, अब होगा क्या? होगा क्या, अनाथ आश्रम पूरा मत होने दो, बाप की पट्टियां मत खुलने दो। चलो कविता। लेकिन तुम तो कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले थे। आज नहीं फिर कभी, चलो। उठिए मत, उठ गए तो फिर टांगे तोड़ देंगे मेरे भाई। क्या बकरा है, नशा करके आया है क्या? नशा करके नहीं आया, आपको नशे की धुन से जगाने आया हूँ। आपको यह बताने आया हूँ कि आप अपने जिन बेटों को ईमानदार और सिंसियर समझते हैं वो स्वार्थी बेईमान और चोर हैं। जिन बहुओं को भोली भाली समझकर आपने घर की मालकिन बनाकर बिठा दिया है वो आपसे नफरत करती हैं। आप क्या इतना भी नहीं समझते? खबरदार अगर ज्यादा जबान चलाई तो। कल का पैदा हुआ छोकरा मुझे समझाने चला है। बड़ी बहू अपने मायके में शादी होने की वजह से गई और छोटी की बहन बीमार है इसलिए गई। झूठ है ये बात बहू जी। बड़ी बड़ी क्या कोई शादी वादी नहीं है और बड़े भैया ये अच्छी तरह से जानते हैं। छोटी बहन की बीमारी का बहाना करके होटलों में मौज बना रही है और शाम भैया ने इंतजाम खुद किया है। बेटे बहू की ईमानदारी के भरम में रहकर आप धोखेबाजों से घिरे बैठे हैं। बदतमीज, मेरे भरे पूरे परिवार को शक शुबा के बीच बोकर भरा भाग करना चाहता है। खबरदार फिर कभी ऐसी हरकत की तो कान पकड़ के निकाल दूंगा घर से। पर भौजी आप शराब। अब भी सच्चाई का चेहरा नहीं पहचाना बांकेलाल? अरे पहचान लिया सच्चाई का चेहरा। सच्चाई ये है कि मेरे बड़े बेटे सच्चे हैं और असलियत वो है जो छोटे बेटे की सूरत में आज मुझे नजर आ गई। लेकिन पता नहीं किस गरज से तुम उसकी तरफदारी करके उसे भड़का रहे हो। अच्छा खुदा हाफिज। साहब जी, कोई नूमल साहब आया जी। नूमल जी? अच्छा भेज दो जी साहब। कैसे आए नूमल? बड़ी हम क्या बोलेगा साईं, हमारा 55,000 रुपया कर्ज है आपकी तरफ का। मेरी तरफ? और 55,000? हाँ जी साईं, आपके बेटों ने हमारे से 55,000 रुपया कर्ज लिया है पर नोट पर। मियाद निकल गई मगर अभी तक भुगतान नहीं हुआ साईं। स्टोर में जाता है तो उधर श्याम बाबू नहीं मिलता, रेस कोर्स में जाता है तो राम बाबू उधर से फरार हो जाता है।
साईं अकबर होटल में जाता है तो उधर श्याम बाबू का बीबी फिर हमको स्टोर में धकेल देता है। आपका इज्जत का ख्याल करके साईं अभी तक हम कोर्ट में नहीं गया, अभी हम ज्यादा लिहाज नहीं करेगा। आप अपनी नजर से राम बाबू श्याम बाबू का दस्तखत देकर खातरी करो साईं। बाबू जी, एक पार्टी से कैश पेमेंट पर माल खरीदने के लिए 50,000 रुपए हमने रोकड़ से निकाला था। माल की डिलीवरी हुई नहीं, इसलिए हमने 5,000 रुपए हरजाना लेकर सौदा कैंसिल कर दिया। ये 55,000 रुपए है। हम विश्वासघात कैसे कर सकते हैं बाबूजी? हम क्या किसी गैर के दुकान के नौकर गुमाशते हैं? हम तो अपने ही धंधे के मालिक हैं। और इस साईं, हकीम साहब के 2,000 का ब्याज जोड़कर आप हमारा भुगतान करें साईं तो हम जाएं। भुगतान हो जाएगा, आप जाइए। अच्छा, राम राम साईं। जी, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद तुम्हारा साथ देगी। सद्दीलाल मर गए बाबूजी। क्या करूं बांके बाबू, बेटे घर में घुसने ही नहीं देते।
जिंदगी रास्ता है कांटों का, जिंदगी रास्ता है कांटों का, जिंदगी रास्ता है कांटों का, हो के जिस पे हमें गुजरना है, सारी दुनिया का जो मसीहा है, अपने ही घर में वो अकेला है, अपने ही घर में वो अकेला है, सारी दुनिया का जो मसीहा है, सारी दुनिया का जो मसीहा है। अरे बांकेलाल तुम, चाचा जान, लेकिन तुम इस वक्त यहां कैसे आए? बैठ बैठ, जरा वो लेप तो लाना, जाओ जी। दादाजी आपको क्या हुआ? मेरा सपना टूट गया बेटे। अरे सपना तो सपना ही होता है भले मानस, उसका टूटना क्या और जोड़ना क्या? ऐसा भी होता है। कैसा? अपना ही खून सफेद, अपना ही दूध काला। पैसा दुनिया में शैतान की इजाद है बांके, पैसा खून सफेद कर देता है, दूध का रंग बदल देता। संतान के मोह में पड़कर मैं खुद धोखा खाता रहा, तुम जैसे बेगर्ज दोस्त का अपमान तक कर बैठा। खैर तुम क्या मेरा अपमान करोगे और मैं क्या उसे महसूस करूंगा, लेकिन आखिर हुआ क्या? मैंने सच्चाई की आवाज सुन ली सिराजुद्दीन। खुदा की रहमत हुई, चेहरा नहीं देखा? चेहरा न जाने कैसा होगा, सच्चाई का चेहरा बदसूरत होता है और आंखों में आंसू भरकर नहीं देखा जाता, देखना हो तो आंखें पोंछो। अपनों की दगाबाजी देखने के लिए आंखें पोंछूं? समझने के बाद तो दगाबाजियां दिलचस्पियां हो जाती हैं, और दिलचस्पियां देखने के लिए रोने वाले क्या बांके बाबू होते हैं? अरे यासीन बेटे इधर आना, देखो तुम्हारे दादाजी खेल में रोते हैं। खेल में रोएंगे तो खेलेंगे क्या? बड़ा सुकरात हो गया ये। हेलो, जी मैं भी आता हूं। हकीम साहब, हम तो रात भर बाबूजी को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, ये जाने कहां चले गए? आखिर हुआ क्या? कल पैदल चलकर मेरे दवाखाने पहुंच गए, वहां जगह-जगह हालत खराब हो गई, रात भर कोशिश की कुछ ना कर सका तो सुबह डॉक्टर के यहां ले गया, 2 महीने की सांस बतलाए, बेहोशी की हालत में है। दिखा पड़ी करा लो, 2 महीने किसने देखे? सुन लिया, होशियार रहना। हाँ
कौन? अरे पहचानो भाई, सब तुम्हारे अपने ही तो हैं। शादी के बीच में बहू को कैसे ले आए राम? आपकी बीमारी का सुनकर कैसे रह जाती बाबूजी? छोटी की बहन ठीक हो गई? अच्छी तो नहीं हुई बाबूजी, लेकिन आपकी बीमारी सुनकर भागी चली गई। ओहो, आ गया? अभी आ गया आपका? दुनिया भर में फटफटी धड़धड़ाते फिरिए, नाटक कीजिए, तमाशे कीजिए, बाप भरे या जिए आपकी भला से। चाचा क्या हुआ बाबूजी को? क्या कहूं बेटे, कहिए तो सही क्या बात है? लेना देना खत्म, 2 महीने की जिंदगी बतलाई है डॉक्टरों ने। 2 महीने? चलो भाई बाहर चलें। आप मुझे कान पकड़ कर निकालें या बाहर फेंक दें, मैं इन लोगों के साथ आपको नहीं रहने दूंगा बाबूजी। बाबूजी मैं रात दिन आपके पास रहूंगा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। अरे तुम्हारी पढ़ाई? मैं पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं आपको बॉम्बे ले जाऊंगा, अमेरिका ले जाऊंगा और आपका इलाज कराऊंगा। मैं तुझे अपना इलाज बताऊं? बताइए। जिस दिन तू मुझे अपने फर्स्ट क्लास पास होने की खबर देगा, उस दिन मैं मरते मरते जी उठूंगा। कुछ कम न समझना अपने छोटे भाई को, आंसू दिखाकर एक दिन बाप की सारी माया हड़प कर लेगा। अरे इसीलिए कहता हूँ कि आने ही मत दो किसी को उनके पास, होटल छोड़ के उनकी सेवा में जुट जाओ, है ही कितने दिनों की बात। अब 2 महीने के लिए उनकी सेवा में तुम मुझे भूल जाओ और मैं अपने घुड़दौड़ भूल जाता हूँ, बस उसके बाद तो सब अपना ही है। संभल के बाबूजी, बैठिए। साहब जी खाने को क्या बनाऊं? बहादुर बाकी लोगों के लिए तुम बनाओ, बाबूजी के लिए तो खाना मैं खुद बनाऊंगी। हाँ हाँ शीला तुम जाके खाना पकाओ, बहादुर आने जाने वालों को देख लेगा, मैं हूँ ना बाबूजी के पास। बहुत परेशान कर दिया मेरी बीमारी ने सबको। इसमें परेशानी की क्या बात है बाबूजी, खाना ही तो बनाना है, मैं अभी बना के लाती हूँ। पिता समान ससुर जी की सेवा करने का अवसर जितना मिल जाए उतना नसीब की बात है जी। अच्छा तो पूरा हो गया अनाथ आश्रम? अभी कहा जी, खिड़की दरवाजे रंग रोगन रुपया बहुत लग गया। अरे बहुत क्या, थोड़ा क्या, तुम्हारे हाथों से ही तो लगा है जी। अच्छा स्टोर कैसे चल रहा है? जी ठीक ही चल रहा है, आप तो अब काम धाम न जाने कब शुरू कर पाएंगे। मेरे नाम ही मुख्तारनामा ही लिख देते तो अच्छा होता। मुख्तारनामा? जी वो आपके सामने न होने के वजह से बाजार में कुछ तकलीफ हो। अच्छा लिखवा लो, मैं दस्तखत कर दूंगा जी। अच्छा आप तुम जाओ, देर हो जाएगी जी। बाबू जी दूध पी लीजिए। कहो धंधा कैसा चल रहा है श्याम? बाबू जी राम भैया को तो अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। और फिर बाहर भीतर का सारा लेन देन मेरे सर आ पड़ा है, लोग तरह तरह की बातें पूछते हैं। बाबू जी अगर मुख्तारनामा आप मेरे नाम लिख देते तो। अच्छा सोचा तुमने, लिखवा लो मैं दस्तखत कर दूंगा जी। अच्छा जाओ अब देर हो रही है जी। चरणों में दंडौत करते करते मेरी कमर टूट गई और उनकी टांग जुड़ गई। 2 महीने होने को अब दिन ही कितने रह गए, मुझे तो जमदूत उनके आसपास भी नजर नहीं आता। अब जब डॉक्टर ने कह ही दिया है तो 2-4 दिन आगे क्या पीछे क्या। सुनो ये कागज लो और मौका मिलते ही दस्तखत करवा लो। देखो शीला राम और भाभी को हवा ना लगे, मौका पाते ही इस मुख्तारनामे पर उनसे दस्तखत करवा लेना। अच्छा बाबूजी आपके लिए दलिया बनाऊं?
हाँ कुछ भी बनाओ, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ। जी वो इस पर साइन करने के लिए कह गए। उस तकिए के नीचे रख दो, कर दूंगा। जी बाबूजी। बाबूजी ये दस्तखत करने हैं? जी इस मुख्तारनामे पे। दे दो, मैं कर दूंगा। जी बाबूजी, 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 सलाम चाचा। बाबूजी मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो गया हूँ। अरे तो शेक्सपियर सेज आज मैं भी अच्छा हो गया। बोल क्या चाहिए तुझे? 5 लाख रुपए। बस दिया। यूरेका यूरेका यूरेका। बाबूजी मैं आपको शाम को मिलूंगा। चलो सिराज मियां जरा नदी पे घूमाते हैं, बहुत दिन हो गए घर में पड़े पड़े। अरे बाप रे, अगर पापा ने तुम्हें रोड के ऊपर बाइक डांस करते हुए देख लिया ना तो सीधे जेल के अंदर डाल देंगे। अगर दोनों को एक ही कोठरी में बंद करके चाबी खो दें तो ये सजा मुझे मंजूर है। बंद क्या ऑटोमेटिकली हो जाएंगे? पहले पापा की परमिशन तो ले। अरे ना बाबा ना, ये मेरे बस का काम नहीं है, ये तो तुम ही कर लो। तुम पापा से डरते क्यों? अरे वो यूनिफॉर्म में बैठे होंगे, फौरन मेरे ऊपर अटैक बोल देंगे। अच्छा बाबा मैं अंदर जाती हूँ, मैं तुम्हें इशारा करूंगी, तुम अंदर चले आना। दैट्स फाइन। पापा तो घर में है ही नहीं। ओफो, फिर आते ही फोन करूंगी, आ जाना, आज बात कर ही डालो। अच्छा मैं चलती हूँ। फर्स्ट क्लास को फर्स्ट प्राइस दे ही दो ना। फर्स्ट क्या और लास्ट क्या, प्राइस तो तुम्हारा ही है, लेकिन अभी नहीं, सजा डिक्लेयर होने के बाद। ओके। लो ये लो अपना मुख्तारनामा, बिना साइन किए वैसे की वैसे पड़ा है। अरे तो तुम उठा क्यों लाई इसे, कर देते वो साइन। वो मुन्नी की मम्मी जो हर वक्त उनके तकिए चादर झटकती रहती है, उसके हाथ पड़ जाता तो? पल भर का काम था, करने होते तो कर नहीं देते दस्तखत। असली बेटा तो वही है जो पास होते ही 5 लाख पे दाव मार गया। तुम्हारे लिए तो दस्तखतों के बिटोटे हैं। पर तुम ये ले क्यों आई वहां से, लौट कर देते वो। हे भगवान तुम्हारी बुद्धि तो। अरे ये रोको ना। क्या हुआ चाचा, आप रोक रहे? क्या हुआ, कुछ बोलिए तो सही। अरे बाबूजी कहाँ हैं, वो आपके साथ ही तो गए थे। तुम यतीम हो गए मेरे बच्चों, मेरा दगाबाज दोस्त मुझे अकेला छोड़ के चला गया। क्या कह रहे हैं आप? नदी की सैर को गए थे बेटा, जिद करके नहाने के लिए बांके पानी में उतर गया, पता नहीं पानी के नीचे धरती फट गई या कोई मगर घड़ियाल निकल गया, मैं फिर बाहर नहीं आया। मैं कमबख्त उनके कपड़ों की चौकीदारी करता रहा, थाने में रपट लिखाने गया तो उसके कपड़े भी छीन लिए थानेदार ने। मरने वाला बीमारी से न मरा, डूब कर मर गया, अब पुलिस हमें सता मारेगी। भली घड़ी का इम्तहान पास किया देवर, 5 लाख मांग के बाप की जान ही ले ली। इम्तहान ही तो पास किया था, कोई हिमालय की चोटी तो सर नहीं की थी जो 5 लाख मांग लिए। तेरे 5 लाख के सदमे से ही बाप नदी में जा डूबा, अब इस घर में तू क्या मुंह लेकर रहेगा हत्यारे। रवि भाई तुम्हारे भाई भाभियों के बर्ताव से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन वो तो अभी बदला नहीं जा सकता। रोमन अगर तुम घर नहीं जाना चाहते तो ये घर तुम्हारा है, बाबूजी की जगह मेरी अब्बू मियाँ हैं, और यकीन मानो बहन का प्यार देने में मैं जरा भी कंजूसी नहीं करूंगी। नजमा ने गलत नहीं कहा बेटे, यहाँ जो कुछ भी है सब तुम्हारा है, ताहम मैं ये तो ना चाहूंगा कि वहां तुम्हारा जो कुछ है
वो भाई भाभियों के बर्ताव से तंग आके छोड़ दिया जाए। मैं क्या करूं चाचा? सिर्फ मेरे कहने से कुछ ना करो, यूं सोचो कि हक छीनना गुनाह है तो हक छोड़ना भी गुनाह है। ये क्या है, 550 रुपए 70 पैसे? बस इतनी ही रकम है बैंक में? बैंक का हिसाब भैया जी 52 तोला पाव रत्ती। अकाउंट बुक्स और सारी फाइलें लेकर आओ। राम भैया की बात, हिसाब किताब बही खाता तो सारा बड़े बाबू उठाकर घर ले गए। नेउमल के भुगतान के बाद कुछ नहीं है यहाँ, फूट गई तकदीर हमारी। इतने दिनों से कानों में भूपा बजा रही थी कि मुन्नी के पापा चौकस रहना, मुन्नी के पापा जागते रहना, लेकिन नहीं, अब क्या है, अब तुम आगे और मैं पीछे, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अजी तुम जरा चुप कर रहो। डूब के मरा है तुम्हारा बाप, मैं तेरा बामन करने वाली नहीं हूँ उसके। ऐसी की तैसी तेरा बामनों की, मैंने अस्तबल खोलने के लिए घोड़े बुक करवाए, उनका क्या होगा, अब तो घास चारे का गोदाम भी नहीं खोल सकता मैं। बिना रुके पर्चे के इतनी बड़ी रकम फंस गई मेरी, अगर बाकी का पैसा ना दिया तो वो सक्सेना का बच्चा घुसते नहीं देगा मुझे अकबर में। तुम क्यों चीखने लगे? जिस भाई ने तुम्हें बीच मझधार में लाकर फंसाया है वही जिम्मेदार है। देखो श्याम भाई, स्टोर को बेच कोच कर आधा आधा हिस्सा बांट लेते हैं, झगड़ा खत्म, फिर तुम जानो तुम्हारा होटल और मैं जानू अपने घुड़साल। हाँ ये ठीक रहेगा, आधा आधा बांट लेते हैं। आधा नहीं भाई साहब, 33.5%। तीसरे हिस्से का हकदार अभी डूब के नहीं मरा है। नहीं मरा है तो क्या हम सबको मार के मरेगा? 5 लाख लेके तो बाप को मारा है, अब तिहाई लेके क्या सारे कुंडे का बंटा ढार करेगा? रात दिन कसाले करके बाप का धंधा जमाया हमने, जन्म भर बाप की हुकुमरदारी की हमने और हमारी औरतों ने, अरे तू गाय का तीसरा हिस्सा मांगने चलाया हमारी छाती पर। बाप के लिए आपके और आपकी औरतों के एहसास को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, अच्छा यही होगा कि आप मुझे मुंह खोलने पे मजबूर ना करें। बड़ा आया मुंह खोलने वाला, नई तालीम में बड़ों की बेइज्जती करना सिखाया जाता है क्या? पुरानी तालीम में मरे हुए बाप के क्रियाक्रम से पहले उसकी मेजें खकोड़ना सिखाया जाता था क्या? ऐसे शट अप नालायक कहीं के। मेरे दिल में अभी तक आपके बड़प्पन का एहसास बाकी है, मुझ पर हाथ उठाने की गलती ना करें, मैं बदनाम हो जाऊंगा। मेरे बाप ने कुनबे की साझेदारी और भलाई के लिए कौड़ी कौड़ी करके जो माया जोड़ी थी, तुच्छ स्वार्थों में पड़कर आप सबने मिलकर उसमें सेंध लगा दी है। बाप के जीते जी छल करते रहे और मरने के बाद भी उसकी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। आप बेईमान हैं, ये जानते हुए भी मैं आपके इरादों में दखल नहीं दूंगा। और हां, आप बड़े शौक से बाप की जमा जायदाद को नीलाम करें, लेकिन मेरा बराबर का हक एक तरफ निकाल कर रखते हैं। हे भगवान, हाथों के पाले सपोले ने फन फैला दिया। ये कमबख्त तो जहर का दांत भी मार सकता है। शाम सुनो, मुनीम को भरोसे में लेके स्टोर के खरीदार तैयार करो। साहब जी, हकीम साहब आया जी। हकीम? अरे उसे बुलाओ तो सही, कहीं मुर्दा जी उठने की खबर तो नहीं ले आया? आदाबर्ज, ये वकील साहब हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैं औद बिहारी BA LLB वकील हाई कोर्ट हूँ जनाब। मरहूम बांकेलाल बाबू ने मेरे जरिए एक वसीयत छोड़ी है, वसीयत की रूह से उनका कोई भी वारिस वसीयत की तारीख के 2 साल बाद तक उनके बंज व्यापार जमा जायदाद या साज सामान को फरोख्त या रहन रखने का हकदार नहीं है। आपको वसीयत की इत्तला देना मेरा फर्ज था, इसीलिए हाजिर हुआ था। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बरखुरदार, अब आपका ये फर्ज है। दफा हो जाओ, चले जाओ यहां से, और फिर यहां इस घर में कभी कदम मत रखना। चलिए साहब, दफा कीजिए। फूट गया नसीब, बिग गया स्टोर, अब हो गया साजा होटल में। मुन्नी की मम्मी, सुनो, ये स्टोर फिस्टोर जैसे चल रहा है ना, वैसे ही चलने दो। जो भी थोड़ा बहुत स्टोर से हाथ लगे, घुड़दौड़ में उसी से तकदीर आजमाओ, भगवान उसी में देंगे तुम्हें। सुंदरी सफारी सुल्ताना।
जनाब क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं कहता हूँ जनाब कि हंटर श्योर है। हंटर भी कोई जानवर है यार, खेलना तो राजा पे खेलो। क्या बात करते हैं आप? बिल्कुल राजा लगाओ। हाँ जी। अरे मैं कहता हूँ अगर राजा तीन नंबर पर भी आ गया तो मैं खेलना छोड़ दूंगा। लग गई मेरी आपकी शर्त? बिल्कुल लगी जी। हाँ जी चलिए आइए। क्यों जनाब, ब्लैक ब्यूटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? चांसेस तो ब्राइट है मगर फरारी भी कम नहीं है दोस्त। मगर ब्लैक ब्यूटी विनर, घोड़ा है विनर। घोड़ा दोस्त, ब्लैक ब्यूटी फरारी, किस पे खेलूं? ओ बादशाह मार्शल तो खेल जाओ। मार्शल पर 2000। मार्शल कार, मार्शल कार, मार्शल कार, मार्शल कार, मार्शल अरे भाई साहब, आपने किसी सरदार को तो नहीं देखा? कौन सरदार? वो लाल पगड़ी पहने हुए था। नहीं भाई साहब, हमने नहीं देखा। कहाँ चला गया? आप ही ने मुझे मार्शल खेलने को कहा था सरदार जी। आहो जी, क्या तो मैं ही सी, आया नहीं? जी आ गया, जी आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अजी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपने भी मार्शल खेला था? ओ मैं नहीं खेलता जी रेस वेस, मैं तो परदेसी आदमी हूँ, ऐसे ही जरा यहाँ पर तफरी के लिए आ गया था। आप रहते कहाँ हैं? अकबर होटल में ठहरा हूँ जी। अच्छा 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 अच्छा, तब तो आप हमारे ही घर ठहरे हुए हैं। अजी वो तो मेरे भाई का होटल है। वैसे भाई कहाँ के? ओ मैं हाँ जी सिंगापुर दा, हिंदुस्तान में किसी बिजनेस विच 20-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। वाह वाह वाह, ये मार्शल ने तो संजोग ही मिला दी। आप हमारे बिजनेस में रुपए लगाइए। ओ बड़ी खुशी नाल जी, आप एक काम करो, कल सवेरे 8 बजे अकबर होटल में आ जाओ, 222 नंबर दे कमरे च, उत्थे ही गल कर लांगे। ठीक है जी। हाँ। तो कल सवेरे मुलाकात होगी। हाँ। 8 बजे। मुन्नी की मम्मी, मुन्नी की मम्मी, अरे मुन्नी की मम्मी, मुन्नी की मम्मी, मुन्नी की मम्मी, नीचे उतारो, कोई देख लेगा। मम्मी क्या हुआ? ऊपर चलो, ऊपर बता दूंगा। तुमने जेठ जी को कोई सिंगापुर का सरदार मिला था रेस कोर्स में, और पता है वो उनके बिजनेस में पैसे लगाने वाला है, और इससे भी ज्यादा वो तुम्हारे अकबर होटल में ही ठहरा हुआ है, कमरा नंबर 222 में, और जेठ जी कल उसे सुबह 8 बजे मिलने वाले हैं। अच्छा तो ये बात है, मैं भी देखता हूँ राम कैसे उसे फाइनेंस लेता है। तुम एक काम करो। हाँ। साहब जी दूध? दूध नहीं पीना मुझे। तुम दूध भी नहीं पिएगा, खाएगा भी नहीं, सोएगा भी नहीं, तो हम अभी इधर किसके वास्ते रहेगा? हम श्याम बाबू का होटल में चला जाएगा। श्याम बाबू का होटल? कौन सा? अकबर। वो क्या श्याम बाबू का होटल है? कल से हो जाएगा। तुमको कैसे मालूम? हम सब जानता है, उधर में कोई सिंगापुर का सरदार आया है, वो कल सवेरे 8 बजे श्याम बाबू को 20 लाख रुपए देगा, और श्याम बाबू कल ही अकबर का मालिक हो जाएगा। सुनिए, चलता हूँ जी। पापा आज आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? कितनी बार कहा है पीछे से मत टोका कर। कौन है? कौन है बदतमीज? दिखता नहीं क्या? अंधा हो गया? टाइम भी हो गया, कपड़ों को क्या करूं? बदतमीज, देख लूंगा तुम्हें। अरे ये क्या भैया, तुम्हें तो फिर आना पड़ेगा। गाड़ी मैं ले जाता हूँ, तुम टैक्सी में आ जाना। बाय। गुड मॉर्निंग श्याम भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Thank you.
अरे रवि भाई। अरे आप कब आए आप? अरे हम गई कल से इधर आके बैठे लाए। मेहता जी खुद आयला है इधर तुम्हारे वास्ते। कहाँ है मेहता जी? अरे उसी रूम में है ना, तुम चलो तो सही। आप चलिए, मुझे जरा जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। अरे मेहता जी से तुम अपना काम करके मिल लेना, पहले हमसे थोड़ा बात तो कर लो। वो क्या है के? आओ चले 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 चलो। सत श्री अकाल जी। नमस्ते सरदार जी। कहिए। माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई। ओ बल्लो 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 बादशाह, और देर तो पैसे लेने से भी बुरी तो देने से भी बुरी। आओ जी आओ आओ, बैठ जाओ जी बैठ जाओ। दसो जी की प्रपोजल है? हिंदुस्तान से लेके अरबिस्तान तक के घोड़ों का एशिया भर में सबसे बड़ा एक स्टड फार्म खोलना चाहता हूँ सरदार जी। रेस के लिए घोड़े तैयार करूंगा। ओ बल्ले बल्ले जी, बड़ा ही चंगा प्रपोजल है। कम से कम 20 लाख रुपए लगेंगे, फिर आप तो जानते ही होंगे इस काम के लिए 20 लाख कुछ ज्यादा नहीं है, और फिर इस काम में नुकसान ही नहीं नफा ही नफा है। समझ लो जी, 20 लाख मैं तुम देता, पर गारंटी वेच की रखोगे? पैसा वसूल होने तक गारंटी में स्टड फार्म? ए गल नहीं बादशाह, स्टड फार्म दे मालिक ते तुसी, तुहाडी कोई माल मिलकती तो होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा शहर में सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। अच्छा तुहाडा कोई स्टोर भी है? अजी शहर में सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है साहब। हाँ ते स्टोर च कोई पार्टनर भी नहीं होना? कहाँ साहब, बाप मर खप गया, भाई है लेकिन लेकिन उन्हां दा कोई अख्तियार ही नहीं होना। बिल्कुल ठीक पहचाना जी। और लैंड देन दा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक पहचान लेना साडा काम है जी। तो फिर? ओ फिर क्या जी, तुसी स्टोर दे डीलिंग दे कागजात वगैरह ले आओ, मैं मॉर्गेज रख के 20 लाख रुपया दे दियांगा। ठीक है जी, कागजात लेकर हाजिर होता हूं। ठीक है जी, फिर ले आओ। ओ आ जाओ भाई, दरवाजा खुला है। आपकी तारीफ ताड़ी ना होती तो आप मेरे फादर होते। बल्ले बल्ले पुत्रा, वो जो दो साहब आपसे मिलकर गए हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। बहुत अच्छे भाई, तेनू भी रुपए चाहिए ने? जी चाहिए तो सही। कमाल दी गल है, अजय कोई खानदान दे सारे लोग मेरे को पैसे मंगन आए ने। किन्ने पैसे चाहिए ने? सिर्फ 5 लाख रुपए। रकम भी कोई बड़ी नहीं है, पर 5 लाख ना तू की करेगा? 5 लाख एक फिल्म में इन्वेस्ट करके मुझे पार्टनरशिप और हीरो का रोल मिल रहा है। ठीक है, 5 लाख रुपया तो मैं तेनू दे दूंगा, पर तेनू अपना स्टोर मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। तू डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले आ, मैं। सरदार साहब, ना तो मुझे ये पता है कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, और ना ही मैं अपने भाइयों के झमेले में पड़ना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट स्टोर मेरे पिताजी की जिंदगी भर की कमाई है, उसे गिरवी रखकर मैं अपने बाप के नाम पर बट्टा हरगिज नहीं लगाऊंगा। मेरा नाम और मेरा काम ही मेरी गारंटी है। आप इस गारंटी पे रुपए देना चाहें तो दें, ना देना चाहें तो ना दें। मैं तेरे साफ गोई तो बहुत खुश होया पुत्र, मैं तेन रुपया देंगा, पर मैं जरा सोचण दे। जरूर सरदार साहब, मैं फिर हाजिर हूंगा। हाँ नमस्ते। हाँ देखो कविता, बात सुनो, तुम्हें नाटक की हीरोइन बनाने के बाद से ही मैं सपना देख रहा हूं। मैं तभी तुमसे कहना चाहता था पर कह ना सका। क्या नहीं कह सके, मैं कुछ समझी नहीं। वो फिर आ गए हैं। कौन? फिल्म प्रोड्यूसर। फिल्म प्रोड्यूसर? नाटक देखकर उसने अपनी फिल्म में तुम्हें हीरोइन और मुझे हीरो का रोल ऑफर किया था। मैंने उसे एग्जाम के बाद तक के लिए टाल दिया था, पर अब वो फिर आ गया है। आई सी। बहुत शानदार मौका है कविता, 5 लाख रुपए मुझे बाबूजी से तो मिले नहीं, पर मैंने खुद इंतजाम कर लिया है। मैं समझ गई, हीरो बनने के लालच में मुझे दांव पर लगाकर शादी का जाल फैला रहे हो। जाल? और इसे क्या कहते हैं? कविता, मैंने ये सपने न कभी सोते में देखे हैं, न जागते में रवि साहब। मैंने हमेशा अपने आप को बहू के रूप में देखा है, एक्ट्रेस के रूप में नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? फिल्म में ले जाने से पहले मैं तुमसे शादी करूंगा, ताकि शादी के बाद मुझे उंगलियों पर नचाने में तुम्हें आसानी हो जाए। मुझे गलत मत समझो कविता। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, गलत समझा था। मैं थोड़े से पैसों में भी तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहना पसंद करूंगी, एक्ट्रेस बनकर नहीं। एक्ट्रेस चाहिए तो बहुत मिलेंगी, पत्नी चाहिए तो पापा से आके मिल लेना। कविता,
कविता मेरी बात तो सुनो, ये लौंडा तो बिल्कुल ही उल्लू का पट्टा निकला। आज अपने आप को सही पहचाना तूने। अरे घर को स्वर्ग बनाने वाली लड़की है, उसे एक्ट्रेस बनाने जा रहा है। नरबहादुर, नरबहादुर जी साहब, ये सब क्या है, किसने किया? छोटे साहब ने, रवि ने, श्याम साहब ने। श्याम? अरे मुन्नी की मम्मी, दिन छुपे से लंबी तान दी, नसीबा फोड़ गया चोर। चोर? हाँ। चोर, 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 किधर है चोर? श्याम जी किधर है चोर? पकड़ो चोर को, किधर है चोर? इधर है, उधर है चोर, पकड़ो। अरे कहाँ है चोर, कुछ बोलो तो सही। अरे ये क्या साहब बनकर सामने खड़े हैं तुम्हारे देवर देवरानी। मुझे मालूम था ये जरूर एक दिन डाका डालेंगे। अरे बाबूजी के कमरे में जाकर देखो, उड़ा लिए इन्होंने सब कागज पत्तर। होश में बात करो जी, हमारे नाम पे चोरी लगाई तो अच्छा नहीं होगा। चोरी के झूठी लगा रहे हैं, ये बहादुर आंखों देखा गवाह मौजूद है। हम चोरी का गवाह नहीं है साहब जी, हम कागज देखने का साक्षी है। अरे कागज का ही तो रोना है सारा, कागज चुरा कर इस भाई ने भाई के छाती में छुरा खोंपा है। मुंह संभाल के बात करो ना। नहीं तो बताओ उनके कमरे में क्यों गए थे, क्यों खोली तुमने अलमारियां? तुम वहाँ क्या करने गए थे, क्या लेना था अलमारियों से? अरे तू कौन होता है मुझसे सवाल करने वाला? अरे तू कौन होता है मुझसे जवाब पूछने वाला? मैं मालिक हूँ इस घर का और मैं मालिक हूँ अपनी मर्जी का। हाय हाय कलयुग, कैसे चकाचक बोल रहा है बड़े भाई के आगे। ये नहीं, ये है कंगाल की जनी, इसी ने चोरी को उकसाया होगा। अरे कंगाल की जनी होगी तुम, बहुत दिन हो गए तुम्हारी चपड़ चपड़ सुनते सुनते, अब तेरा बोल मुंह से निकाला तो मुंह सीधा कर दूंगी। तू क्या मुंह सीधा करेगी हमारा, आते ही सुसर से ऐसे चिपकी कि हीरो की हमें झपट ली। क्या तू उसके कागज नहीं चुराएगी तो क्या मैं चुराऊंगी? सुसर का माल चुरा चुरा कर घोड़े घोड़ियों पर फुकवा दिया चोटते खसम से, और तुम हम पर चोरी का इल्जाम लगा दियो। मैं चोर? मेरा खसम चोटता, होटलों में रंडी नचाने वाला तेरा खसम साहूकार, और चोरी चोरी होटलों में मजे उड़ाने वाली तू असरफ। तूने मेरे खसम को रंडी नचाने वाला कहा? अरे आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देखो राम, चोर चोर मुसेरे भाई कहलाते हैं, लेकिन मैं और तुम तो सगे भाई हैं, ये मत भूल जाना। और हाँ, एक वकील के पास बाप की वसीयत मौजूद है, ये मैं जानता हूँ। सुना, धमकी दे रहा है। मुन्नी की मम्मी, ये शाम घर का भेदी है, दोनों को मिलाए रखने में ही सबकी भलाई है। मैं तो अपनी आई को मिला भी लूंगी और मिल भी जाऊंगी, मगर अब करेंगे क्या? सुनो वो मुख्तारनामा देना जरा। आप क्या करोगे इस कोरे कागज का? जी पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत नहीं है। नहीं है तो हो जाएंगे, वालिद मरूम के दस्तखत का कोई रुका वर्गा है? ठीक है, जेब खोलिए, काम हो जाएगा। कागजात तलाश करने में कुछ देरी लग सकती है सरदार जी, इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर आप चाहें तो मैं अपने नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दिखा सकता हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी? जी तुहाडे पिताजी तुहानू पावर ऑफ अटॉर्नी दे चुके सी? जी हाँ, उन्हें शायद अपने जीने के बारे में कुछ शक हो गया था। अच्छा, इसलिए उन्होंने मेरा नाम मुख्तारनामा पहले से ही लिख दिया था। फिर तो दूसरे कागजात देखने की लोड़ ही नहीं है, तुसी पावर ऑफ अटॉर्नी ले आओ ते 20 लाख रुपए ले जाओ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर होता हूँ। अच्छा अच्छा, सत श्री अकाल। हेलो, हाँ कहिए जनाब, कब आ रहे हैं कागजात लेकर? वो बात ये है सरदार साहब के कागज पत्र तलाश करने में तो लगेगी देर, आप कहे तो मैं अपना मुख्तारनामा दिखा सकता हूँ आपको। तुहाडे पास है मुख्तारनामा? हाँ हाँ। वो तो फिर गल पहला क्यों नहीं दस देती, बेकार विच मेरा भी ते अपना भी टाइम खराब किता। तुसी ले आओ मुख्तारनामा, ले आओ। जी हाजिर हो जाता हूँ। दस हजार? साहबजादे, इस मुख्तारनामे के जरिए आप लाखों के वारे न्यारे करेंगे,
और 10,000 होते ही कितने आज के जमाने में? जी मैं जरूर दे दूंगा, बस जरा काम हो जाने दीजिए। वादे का धंधा बाट का बाजार में, मुंशी भैरव प्रसाद तो ऐसा काम अपनी असली औलाद का भी नहीं करता है। लो देवर जी चाय पियो। लो शीला तुम भी लो। दीदी तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो। अरे तुम भी तो मेरी मुन्नी से कितना प्यार करती हो, मैं तो कहती हूँ तुम उसे गोद ही ले लो। फिर तो दीदी अपना माल मत्ता भी तुम्हें मुझे ही देना पड़ेगा। इसमें क्या शीला, मेरा जो भी है तुम्हारा ही तो है, मुझे थोड़े ही साथ ले जाना है। दीदी मेरे मन में तो मेरा तेरा कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी तुम्हारा है मैं अपना ही समझती हूँ। शीला मेरा तो इन दोनों भाइयों से यही कहना है कि ससुर की वसीयत में स्टोर फिस्टोर ना बेचने की म्याद तो 2 ही साल की है, 2 साल जैसे भी है मिलजुल के चला लेंगे, उसके बाद सब कुछ बेच बाट बंटवारा कर लेंगे, आज इसे फिकर फाका क्यों। ठीक। अरे वाह भाभी क्या बात कही है, यही तो मैं कहता हूँ। वाह। खटन गया सी खट के ले आंदी बोतल, अपना हिस्सा बेच बाच के खोलूंगा एक होटल। बदल जाएंगे अपने हाल, बदल जाएंगे अपने हाल, बदल जाएंगे अपनी चाल, कहो जी कैसी कही। कविता से मिलना चाहता हूँ। कविता नहीं मिलेगी,
जी क्यों? क्यों का मतलब? खैर ना सही, काम तो मुझे आपसे ही है। मैं आपके पास कविता से शादी करने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। ये बात मुंह से निकाली तो जबान खींच लूंगा। ऐसा कुछ करने की अब जरूरत नहीं है पापा जी, मैं अपने सारे प्लान बदल चुका हूँ। यू जस्ट गेट आउट। आप एक बार कविता से पूछ कर तो देखिए। खबरदार अगर तूने कविता का नाम लिया तो। शरीफ लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा करने वाले तुझ जैसे बदकारों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी बेटी से शादी करके तू उसे फिल्मों में नचाना चाहता है? एक गोली में ऐसे बदकारों की खोपड़ी तोड़ना मेरा काम है। ये तू अब तक नहीं जाना है तो आज जान जाएगा। मेरी बदकिस्मती है कि आज बाबूजी नहीं है, उनकी जगह जो कुछ है मेरे लिए आप ही हैं। आप बताइए मैं क्या करूं। भाई लड़की के वालिद रजामंद हैं और आपसी फैसले हैं तो ये शादी जरूर करो, मगर बेहतर होगा कि अपने घर से करो। बाबूजी होते तो घर से करते या बाहर से, ये मेरे सोचने करने की बात ना होती। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मैं भाइयों के घर से शादी नहीं करना चाहता। मियां, वो घर तुम्हारा नहीं है क्या? जी नहीं बाबूजी, के बाद वो घर मेरा नहीं है। अब्बा जान, रवि भाई के शादी के शादी आने इस घर की ड्योड़ी से क्यों न बजे? इससे बढ़कर खुशी और सब्र की बात और क्या हो सकती है नजमा। लेकिन यूं डरता हूँ कि मजहबी तंग नजरी खामखा कोई फितना न खड़ा कर दे। इसके सिवा बेटी का बाप चाहेगा या नहीं ये भी तो नहीं मालूम। मेरे पापा का कोई इतराज नहीं होगा, इनके पापा की जगह आप है। फिर भी मेरा ख्याल है इनके पापा की तहलीज में कदम रखना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बहुत कायदे की बात कही है तुमने, यही ठीक होगा। रवि, तुम्हें एक बार अपने भाइयों से जरूर कहना चाहिए। आप चाहते हैं तो ठीक है, घर तो नहीं जाऊंगा पर कह देखूंगा। लेकिन चाचा, आप कहते तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, हम कह देंगे। तो मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा, आधा बरस। आधा आधा बरस। आधा। यार ये तो वही लड़की है। मैं तो यूं डर रहा था कि जोश में कहीं तू नजमा का बुर्का पहनकर बाहर ना आ जाए। बहुत अच्छी लड़की है यार। ये तो भारत सिंह की लड़की है ना। मैं जाऊं उसके पास? अरे पर तू तो मर चुका है ना। लेकिन भारत सिंह तो जानता है ना कि मैं नहीं मरा हूँ। पर पुनर्जन्म से पहले वो मुख्तार नामे नहीं देखने हैं क्या? हाँ वो तो जरूर देखने हैं। तो फिर थोड़े दिनों के लिए और कब्र में पड़ा रहा। मरो के सूतक से जान नहीं छूटी थी कि जिंदों का सियापा करने की घड़ी आ गई। सुनो जी, जब तक रवि अकेला है तभी तक खैर है। जिस दिन वो काले सिरवाली को लेके घर में घुसेगा उस दिन थाली कटोरी तक का तीसरा हिस्सा ना मांगे तो मेरा नाम बदल देना। अरे आप, आपसे कह दिया था कि इस घर में कभी कदम ना रखें, फिर क्यों आए हैं आप? देखो रवि शादी करना चाहता है। तो आपको यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? और चाहता है तो कर लेगा अपने आप, आपका इससे क्या वास्ता? बरखुरदार, दूध और खून की तरह वास्ता तो बेटे यारी दोस्ती का भी होता ही है। मैं तुमसे ये कहने आया था कि वालिद मरहूम की जगह अब तुम ही रवि के माँ बाप हो, खुद खड़े होकर अपनी देवड़ी से भाई की शादी करवाने में ही तुम्हारी सुर्खरोई है। सुर्खरोई गई ऐसी की तैसी में, जीते जी सारे पैसे उड़ा गए, मरते हुए उल्टी सीधी वसीयत कर गए। आबरू संभालनी भारी पड़ रही है हमें। देखिए हम इस शादीवादी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये रवि जाने और उसकी शादी जाने। अकेला होते हुए वो डाकू हिस्सा मांगने हमारे छाती पे चढ़ाया, लुगाई तो चोटी पकड़ के ही घर से निकाल देगी। नहीं नहीं, शरीफ घर की लड़की है, ऐसा अंदेशा नहीं करना चाहिए। शरीफ? अरे वही तो लड़की है, नाटक तमाशों में नाचने वाली। नाचने वाली? हे भगवान, नाचने वाली तो जेठ जेठानियों को तिगनी का नाच नचा के छोड़ेगी। हमने कह दिया आपसे कि हम उसकी शादी में कोई हिस्सा नहीं लेंगे। जैसा आप ठीक समझे, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है, आगे आपकी मर्जी। ये हकीमी है बिस्की गांठ, इसी ने सदा लूटा खाया और इसी ने उन्हें नदी में ढकेला। अब शादी ब्याह के बहाने पंच बन के आया है। नमस्ते श्रीमान जी, नमस्ते। लो और एक चोर के साथी आ गए, ठगों ने घेर लिया इस घर को। आइए, और रुपए चाहिए क्या? दीनदास का कुनबा बहुत बड़ा है श्रीमान जी, पैसे तो हर समय चाहिए, लेकिन इस वक्त मैं पैसे के लिए नहीं आया। इस वक्त तो मैं आपको अनाथ आश्रम के उद्घाटन के लिए बुलाने आया हूँ।
हम उद्घाटन के तमाशे में शामिल नहीं होंगे। आप क्या कह रही हैं राम बाबू? आपका धन लगा है, आपकी दानवीरता का डंका बज रहा है, आप सर्वे सर्वा हैं इस आश्रम के, तमाम शहर के लोग वहां पर इकट्ठा होंगे, बल्कि आपका नाम सुनकर ही वो सिंगापुर के सरदार जी समारोह में शामिल हो रहे हैं। आप न होंगे तो कैसे काम चलेगा? सिंगापुर के सरदार, वो जो अकबर में ठहरे हुए? वही श्रीमान जी, वही। बल्कि मेरा तो सुझाव ये है कि आप उद्घाटन भी उन्हीं के हाथ से कराएं, ये अनाथों के लिए भी लाभ की बात होगी और शायद आपके लिए भी। श्रीमान जी अवसर चूकेंगे तो पछताएंगे। सुना है सरदार जी सीधे वहां से हवाई अड्डे जा रहे हैं। सोच कह रहे हो मुन्नी के पापा, ठीक है तो कह रहे हैं दास जी। जब सरदार जी वहाँ आ रहे हैं और वहीं से जा रहे हैं तो तुम्हें जरूर मिल लेना चाहिए मुन्नी के चाचा। हाँ हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे जी, जरूर मिलेंगे। आएंगे जी, उद्घाटन में जरूर आएंगे। जय हो जय हो। ठीक समय पर दोनों भ्राता पत्नियों सहित पधारे हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते। अब मैं माननीय सरदार जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने कर कमलों से दीप जलाकर इस अनाथ आश्रम का उद्घाटन करें। बल्ले बल्ले भाई बल्ले बल्ले, श्याम लाल वल्द बाके लाल। ए दस्तावेज की अजी, ए दर्शनी हुंडी है। इस मुख्तारनामे तो तुसी अपने बाप दियां हड्डियां गिरवी रख के भी पैसा खड़ा कर सकते हो। तुहानू सिंगापुर दा चेक चाहिदा है कि हिंदुस्तान दा ड्राफ्ट? ओ जी चेक कैश होने में तो महीनों लग जाएंगे सरदार जी। हाँ कैश में ही सहूलियत रहेगी। ठीक है जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर जाकर इंतजाम देखो। बाहर का इंतजाम तो बाहर वाले देखेंगे जी। ये बेचारे भाई साहब किसी तरीके से एक दस्तावेज तैयार करके लाए हैं, इन्हों का काम तो होने दो। तुसी अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी तो क्या लाए होंगे इस यतीमों के जलसे में? वो बड़ी देर कर दी जी आपने, इन्ना जाते काम सी। मैं तो आज चला जाऊंगा सिंगापुर। मुझे मालूम हो गया था जी क्या जब जाने वाले हैं, इसलिए यही ले आया हूँ। ओ बल्ले 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 बादशाह। अच्छा तो ये तुहाडा भरा है, लेकिन इसमें से असली मुख्तारनामा कौन सा जी, तुहाडा या तुहाडे भाई दा? भाई का? असली मेरा है, मेरे बाप ने मुझे मुख्तारनामा दिया था। इसने अगर आपको कोई मुख्तारनामा दिया है तो वो जाली है। ये सरासर दगाबाजी है, ये आपके साथ जालसाजी कर रहा है। बाप ने मुख्तारनामा मुझे दिया था। आइए आइए ठाणेदार साहब, बड़े ठीक वक्त पर आए हैं आप। ये दोनों साहब इन दोनों मुख्तार नामों पर अपने बाप के दस्तखत असली बताकर मुझसे 20 लाख रुपया लेना चाहते हैं, और मुझे शक है कि ये दस्तखत जाली है। आप अगर तफ्तीश करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी गैर हाजिरी में शायद आपको आसानी हो। मैं अभी हाजिर हुआ। तफ्तीश करने की जरूरत नहीं थानेदार साहब, मेरे मुख्तारनामे पर दस्तखत असली। भाई होकर भाई की पीठ में छुरा मारता है कमीने। अरे तू बाप भाइयों को दांव पे लगाकर जुआ खेलने वाला कमीन से भी क्या बीता आदमी है? तू कहां का भाई है? अबे जुआरी का ईमान देख, जुआरी होकर भी मैंने तेरे साथ हमेशा भाई बंदी निभाई, पर तूने तो भाई की आस्तीन में घुसकर काले सांप की तरह फन उठा दिया बेईमान। आस्तीन का सांप मैं नहीं, तू है। आस्तीन की सांपन तेरी औरत है। तुम दोनों ने बाप भाई को डसने के लिए फन फैलाए। खबरदार अगर औरत का नाम लिया तो। हिस्सेदारी की लालच में अपनी लुगाई को होटलों में रखने वाला नीच आदमी है तू। तू मेरी औरत को सांपन कहता है? अरे लंगड़े लाचार बाप को लावारिस छोड़कर अपनी बीवी को किसी फर्जी शादी के बहाने मायके भेजने वाला, बाप का जालसाज बेटा और अपनी जोरू का जल खरीद गुलाम है तू। तू कौन से मुंह से मुझे नीच कहने की जरूरत करता है बसार? 420
420 के बच्चे, बेहया, बेशरम। जोरू जाति को तो मैं बाद में समझ लूंगा, पहले तू ये बता कि जिसको लेकर तू यहाँ 20 लाख की ठगी करने आया है वो मुख्तारनामा किस दिन दिया था तुझे बाप ने? उसी दिन जिस दिन तेरी औरत बाप के कमरे से कोरा मुख्तारनामा उठा लाई थी। क्या कहा, क्या बोलता है तू? और उसी दिन जिस दिन तू किसी जालसाज के पास उस पर बाप के नकली दस्तखत कराने ले गया था। अब ज्यादा जबान चलाई तो तमाचा मार के मुंह टेढ़ा कर दूंगा तुम्हारा। मैं बड़ा हूँ, बाप ने मुख्तारी मुझे दी थी। तेरा मुख्तारनामा झूठा है, जाली है। तू झूठा, तेरा मुख्तारनामा झूठा। देख, मेरे रास्ते में अड़ंगा डालने की कोशिश की ना तो सरदार जी के सामने नंगा करके थानेदार से कहलवा के तेरे पैरों में बेड़िया ठुकवा दूंगा। ओ शट अप। इन कागजों पे दस्तखत हमारे बाप के हैं जी। बाप कहाँ है तुम्हारा? मर गया जनाब। सिपाहियों, ले जाओ इन दोनों फरेबियों को, ठोक दो 3rd degree में। मैं इन्हें देता हूं 20-20 लाख रुपया। मरकर मैंने ये जाना कि विरासत में धन संपत्ति छोड़ना अपनों के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी है, और जीकर मैंने ये जाना कि ना छोड़ना जरूरतमंद बेगानों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। मैं ना अपनों से दुश्मनी करना चाहता हूं ना बेगानों से धोखा, इसलिए मैं आप सब के साक्षी में अपना सर्वस्व इस अनाथ आश्रम को दान कर देता हूं। चचा जान, वो लोग आ रहे हैं, मैं रास्ता रोकती हूँ, मेरा नेक देना पड़ेगा। हाँ ठहरो बेटी, नेक तो दे दूंगा लेकिन रास्ता मत रोकना। ये सब पुराने रीति रिवाज आज के जमाने में बेकार मजाक के सिवा कुछ रहे ही नहीं। घर परिवार की भलाई के लिए अग्नि ब्राह्मणों की साक्षी में प्रतिज्ञा लेकर यह औरतें घर आई थी। इनकी करतूत तो तुमने अपनी आंखों से देख ली, अमल ही नहीं तो उसूलों का ढोंग रचाकर अपने आप को ठगने से क्या फायदा? बापूजी, अमल न करना उसूलों के गलत होने का सबूत तो नहीं है। आप विश्वास करें, मैं समाज और देवताओं के सामने की हुई प्रतिज्ञा परिवार की भलाई के लिए जिगर ही पूरी करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा तुम्हें तौफीक दे बेटी, कदम रखते ही मिसाल देने वाली बात की। वाह सिराजुद्दीन, जिन्हें असल में देना चाहिए उन्हें अब मैं क्या दूं? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं तो दुआ ही दो मियां। नहीं नहीं बाबू जी, दुआ से काम नहीं चलेगा, मैं तो लेकर ही छोड़ूंगा। अबे क्या लेके छोड़ेगा तू, मुझे 5 लाख की याद तो नहीं दिला रहा है? 5 लाख के बदले में आप इनके भाइयों को जेल से छुड़वा दीजिए बाबू जी। दीदी उठिए ना, उठिए ना दीदी। Thank you.
अनजानों की बस्ती में कुछ अपने भी तो होते हैं, सुख में साथ निभाते सुख में सपने संग संजोते हैं। वही से आना भीड़ भाड़ में जो अपनों को पहचाने, वही से आना भीड़ भाड़ में जो अपनों को पहचाने। जीवन की अनूठ डगर पर क्या अपने क्या बेटे।